दोस्तों, डीप टॉक में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है, पिछले साल जब मैं लॉकडाउन में फंसा हुआ था तो मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ जूम कॉल पर इंटरव्यूज चालू किए। आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि वो एक सीरीज़ बन गई डीप टॉक की, और फिर मेरा मन किया कि उसे और इम्प्रूव किया जाए। जैसे मैं आपको कहता रहता हूँ अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, तो मैंने कहा क्यों ना डीप टॉक को इम्प्रूव करें। तो हमने डीप टॉक का प्रो अवतार, यू कैन से, हम लेकर आए हैं, और मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जो तैयार हुए मेरे साथ आने के लिए, सम वेरी स्पेशल पर्सन विद मी, विवेक अग्निहोत्री, डायरेक्टर ऑफ कश्मीर फाइल्स एंड अ लॉट ऑफ अदर मूवीज, बट लेटेस्ट इज कश्मीर फाइल्स। विवेक, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए मेरे शो पे। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली मैं देखता रहता हूँ आपके शोज, और मैं कई आपसे एक साल पहले बोला भी था कि लेट्स टॉक, सो वंडरफुल, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ, लास्ट टाइम आपने बोला था लेट्स टॉक, और तब मैंने सोचा भी कि यू नो करते हैं, पर उस टाइम पे वो कोरोना था, वही जूम पे ये सब, वो मज़ा नहीं आता, माहौल नहीं था, लेकिन मैंने कहा ये करते हैं। और आज हमने आपकी ब्लेसिंग से पहली बार मैंने ये YouTube पे थोड़ा, यू कैन से, अभी तीन कैमरा लगे हुए हैं दोस्तों, यहाँ लाइटें हैं हमारे आसपास, ये देखो ये पूरे टशन हो रहे हैं, तो ठीक है सर। मुझे तो ऐसा लगा फीचर फिल्म का माहौल है, एकदम नारियल वगैरह आपने फोड़ा और बिल्कुल लाइक अ फिल्म सेट, वंडरफुल, नो दिस इज लाइक वेरी प्रोफेशनल। और सर ने आते ही पता सबसे पहले क्या कहा, कहते ये बजट तो मेरी फिल्म से ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, यू आर अ रिच मैन, तो नहीं नहीं सर, हम रिच नहीं, हम सीख रहे हैं, हम, और कोई बजट ज़्यादा नहीं है। और सर बजट शायद ज़्यादा भी हो, लेकिन जो बिजनेस है, क्या किया है सर कश्मीर फाइल्स ने, इंडिया के GDP बढ़ा दिया उसने, उस फिल्म ने। कितना है अभी वर्ल्ड वाइड, 350 करोड़ चल रहा है या प्लस, या 350 करोड़ रुपया सर, बहुत, एक फिल्म। और कितने में बनी पिक्चर? 15 करोड़ में, 15 करोड़। तो मतलब एक होता है परसेंटेज, 10% रिटर्न, 20% रिटर्न, ये तो मतलब परसेंटेज में आप कर ही नहीं सकते सर, ये तो मतलब 20-22 गुना। नहीं, एक्चुअली 15 करोड़ से भी कम हो जाता हमारा बजट, लेकिन वो कोविड ने हमको फंसा दिया 1.5 साल। हाँ, तो बहुत सारा पैसा वेस्ट हो गया। हमने कश्मीर में एडवांसेस दिए थे, और कश्मीर में वो चेक नहीं चलता, सब कैश में ही चलता है सिस्टम, तो वो सारा पैसा हमारा डूब गया, काफ़ी सारा। तो हम शायद उसको 13 करोड़ में बना लेते अगर लॉकडाउन नहीं होता तो। सर 350 के आगे 13-15 हफ्ते तो राउंडिंग एरर हो जाता है अभी, बट बहुत बहुत आपको मुबारक हो, बहुत फिल्म को लोगों ने पसंद किया, दर्शकों ने, और छुई, कभी सोचा था ऐसा होगा? इस लेवल पे नहीं सोचा था, ये स्केल मैंने नहीं सोचा था, पर मुझे ये पता था कि सी आई टेल यू, व्हेन वी स्टार्टेड दिस जर्नी, तब हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम फीचर फिल्म बनाएंगे, कि वेब सीरीज़ बनाएंगे, कि डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। हम और पल्लवी रिसर्च कर रहे थे, तो लोगों के इंटरव्यूज़ कर रहे थे अमेरिका में, तो पल्लवी कहती थी यार कर तो रहे पर करेंगे क्या इतना मटीरियल। मैंने कहा कुछ नहीं होगा तो चलो यार बुक तो लिख ही देंगे, और ब्लूम सॉरी यार उनसे कह रहे थे कि, तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, ब्लूक नहीं होगा तो सारे ये इंटरव्यूज़ एडिट करके यूट्यूब में डाल देंगे। फिर हुआ क्या कि 1.5-2 महीने तक जिस हम सुबह से शाम तक रोते रहते थे, इंटरव्यूज जब कर रहे थे, तो मैंने कहा अगर मैं इतना ज़्यादा कनेक्ट हो रहा हूँ, पल्लवी कनेक्ट हो रही है, हमारा क्रू कैमरा और एक दो दो तीन लोग थे, इफ़ एवरीबडी इज़ क्राइंग लिसनिंग टू दीज स्टोरीज, तो मुझे ये समझ में आ गया था अगर ये फीचर फिल्म फॉर्मेट में आएगी तो लोगों से कनेक्ट ज़रूर करेगी। तो जिसको मार्केटिंग में कहते हैं कि मुझे प्रोडक्ट डिज़ाइन समझ में आ गया था, DNA प्रोडक्ट का समझ में आ गया था। ये स्केल पे होगा ये मैंने नहीं सोचा था कभी, कोई भी नहीं सोच सकता था सर। और हम कश्मीर फाइल्स पे बाद में मैं आपसे डिस्कस करूँगा, इनफैक्ट मैंने खुद बहुत ही कम होगा, आई थिंक मैं 15 साल से टाइम्स ऑफ इंडिया के मेन एडिटोरियल पेज पे कॉलम लिख रहा हूँ, और मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने किसी और पिक्चर के बारे में लिखा हो, शायद मुझे भी याद नहीं है। हाँ, एक और पिक्चर के बारे में शायद मैंने लिखा था, वो था क्वीन, शायद, पर उसमें भी क्वीन के ऊपर नहीं था, वो उस पर था कि भाई अवेकन योर इनर क्वीन, एक तरह से एक लाइन पर पूरा उस पर कश्मीर फाइल्स पे एडिटोरियल लिखना मैंने शायद पहली बार करा है, और बहुत अच्छा था वो, आई मस्ट थैंक यू फॉर दैट। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगेन कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म है ना कि उसको डिस्कस करते पूरा पॉडकास्ट हो जाएगा, पर आज मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया, डीप टॉक इसलिए नहीं है, ना ये इंटरव्यू है विवेक, हम दो दोस्त बात कर रहे हैं, और मेरे चैनल पर बड़े एक अच्छे इंडियन बच्चे आते हैं, बहुत ही, जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, ये नहीं कि अरे ये क्या कर दिया वो क्या कर दिया, लड़ने आ रहे हैं, जो इंटरनेट पे आप देखना, आप बाद में कमेंट्स देखना इस पर, एक भी वैसा नहीं होगा, लाइक लिटरली मैं इतनी गारंटी से कह सकता हूँ कि इतने अच्छे लोग आते हैं जो लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, और आप एक मिसाल हो, हालांकि आप बड़े मॉडेस्ट हो, पर मैं आज मॉडेस्ट मत होना, ठीक है, जो है, क्योंकि सर आपका जो बिगिनिंग है और आज जो दिन आप देख रहे हो,
पहली बात तो आपको काफ़ी दिन लग गए, आपका ओवरनाइट सक्सेस में कितने साल गए आप? जिंदगी बीत गई. सो यू नो सेवरल डेकेड्स हैव हैपेंड ये ओवरनाइट सक्सेस में. तो अगर आपकी लाइफ पे बायोपिक बनाते हम, और अब इतना आज ही बनाना है, इसी यही यही एपिसोड ही बायोपिक है, तो वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ. और हर कदम पे मैं आपको रोकूंगा और आपसे और फर्दर सवाल करूंगा और पूछूंगा कि आपने क्या सीखा जिंदगी के उस दौर पे, क्योंकि मुश्किल ही थी आपकी जिंदगी, कोई ऐसे आसान तो बीतती नहीं है. या, कि पापा ने कार में स्कूल छोड़ा फिर कहा बेटे एक दिन तुम डायरेक्टर बनोगे, ऐसा तो नहीं हुआ है. नहीं यार, खबरदार जो डायरेक्टर बने. हाँ तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट विवेक, और बीच में कश्मीर फाइल्स आएगा, वी कैन अगेन डिस्कस इट अगेन, बहुत जगह और डिस्कस भी हुआ. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको देख के और लोग भी इंस्पायर हों लाइफ में कुछ बनने के लिए, और ना सिर्फ आप कुछ बने हो, यू हैव, मेरे को इसलिए आप बहुत अच्छे लगते हो कि आप ना, सक्सेस तो मिलना खैर मुश्किल होता ही है, लेकिन आपको ना सिर्फ सक्सेस मिला है, आपको अपने टर्म्स पे सक्सेस मिला है. आपने अपने ईमान को नहीं बेचा, शायद मैंने फिर भी थोड़ा बहुत बेचा. नहीं, मैंने किया है डांस फ्लो, डांस शो जज किया है मैंने, किया है. अरे हाँ, मैं भूल ही गया. हाँ, अरे हाँ. देखिए सर, आप जैसी, मतलब आई वुड से मैं लार्जली अपने प्रोफेशन से ऑनेस्ट रहा हूँ, लेकिन कभी कभी शौक के लिए, मस्ती के लिए, मस्करी के लिए कर दिया होगा, खैर ऐसे नहीं. पर आप में जो एक कन्विक्शन है, आप में एक है कि भाई मैं ऐसा हूँ, मेरे को ऐसे में सफलता मिले तो सही है, वो एक बहुत ही रेयर चीज़ है, उस पर भी मैं बाद में बात करूँगा. चलिए पीछे जाते हैं, रिवाइंड करते हैं आपकी फिल्म. आपका जन्म हुआ तिलहर, क्या नाम है? तिलहर, एक्चुअली तिलहर है तो, कहाँ है तिलहर? तिलहर तहसील है, उत्तर प्रदेश में शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट है. हाँ, फिर तहसील होती है उसके अंदर, वो तिलहर है, और उसके अंदर एक गांव है धन्योरा. तो नियरेस्ट शहर कौन सा है? शाहजहानपुर है, लेकिन यानी रेल. ओके, और बड़ा शहर कौन सा है? बड़ा शाहजहानपुर है. शाहजहानपुर बड़ा शहर मानते हो आप? हाँ यानी. ओके, और वहाँ से रेलवे स्टेशन से करीब 3 कोस दूर है वो, तो मतलब करीब 1.5-2 घंटे पैदल जाना पड़ता है. तो लिटरली आपका वो खेतों के आसपास जन्म हुआ था? खेत मतलब. हाँ, यस. आपने मुझे फोटो भी दिखाई थी अभी, हम जहाँ मेकअप रूम में, तो वो हमारा घर है जिसमें दीवारें भी नहीं है. ये घर था सर? हाँ. एंड ये घर है? हाँ, जो आपने फोटो दिखाई है. हाँ, अभी भी है. नहीं पर इसमें मतलब क्या, आपके मम्मी पापा क्या करते थे? नहीं, सो माय फादर, तो मेरे ग्रैंडफादर का घर है वो. तो मेरे फादर फिर पढ़ लिख के वो टीचर बने, प्रोफेसर बने, अल्टीमेटली बिकेम वाइस चांसलर. एंड कौन से साल में सर आपका, आप तो लड़के हो, आपसे तो पूछ सकता हूँ, आप कितने साल के हो? नहीं, वो ये समझ लो 70s की बात बता रहा हूँ. हाँ. तो मैं वहीं बड़ा हुआ ना, मैं पैदा ग्वालियर में हुआ, लेकिन हम लोग उस, वो ज़माना ऐसा था कि मार्च से लेकर जून एंड तक, जुलाई तक छुट्टियाँ होती थी, तो हम लोग वहीं रहते थे. माई फादर ग्रू अप देयर. पर अब ग्वालियर में भी बहुत छोटे घर में ही रहते थे. एक 800 रुपये सैलरी थी मेरे पिताजी की. क्या करते थे वो? वो प्रोफेसर, ही वॉज अ प्रोफेसर, पर बड़ी कम सैलरी. मदर हाउस वाइफ? माई मदर वॉज अ हाउस वाइफ, अनएजुकेटेड हाउस वाइफ. और मेरे दोनों पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उनकी शादी जब हुई तो मेरी माँ 17 साल की थी. okay. और शादी के करीब 21-22 दिन के बाद शी वॉज इन जेल. तो हाँ, तो मेरे दोनों माँ बाप की जवानी जेल में गुजरी. एंड आई एम अ वेरी लेट चाइल्ड, मैं शादी के 25 साल बाद पैदा हुआ. वाओ, 17+25, मेरा मैथ्स एक टाइम पे अच्छा होता था, 43. हाँ, तो मतलब बहुत. वाओ, सो योर मदर वाज 43? 45 अप्रोक्सीमेटली. वाओ, तो मैं लेट चाइल्ड था काफ़ी. तो हम लोग एक, मैंने बेसिकली जो इंडिया का टिपिकल स्मॉल टाउन, लोअर मिडिल क्लास बोला जा सकता है, उस बैकग्राउंड से हम लोग आए. तो जब आप छोटे थे तो आप जैसे स्कूल जाते थे, विवेक जो बच्चा 7-8 साल का था, वो कैसा था, उसका कैसा स्कूल था, क्या उसकी पॉकेट मनी थी? पॉकेट मनी क्या यार, ये तो पॉकेट मनी का कॉन्सेप्ट भी था आपको? कैसी बात कर रहे हैं, पॉकेट ही नहीं थी. पॉकेट मनी मतलब कभी वो 10 पैसे चार आने कहीं पड़े तो उठा लिए, चुपचाप रख लीजिए, उस टाइप का था. पॉकेट मनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. हाँ. यानी कोई सोच भी नहीं सकता था. देन माई फादर गॉट ट्रांसफर टू भोपाल. तो जब हम भोपाल में आया मैं, तो भोपाल उस जमाने में एक बड़ा ओल्ड फैशन नवाबी शहर होता था. नया भोपाल तो बाद में बना है, और ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं थी. मुझे याद है हमारा, हमें फ़ोन जब हमारे घर में आया तो उसका नंबर था 6, फ़ोन नंबर वो 6 एक. हाँ, 6 डिजिट. हाँ, पहला गवर्नर का. फिर जी बहुत कम फ़ोन थे वहाँ पे भोपाल में, नया नया शहर बना था, एकदम कैपिटल बनी रही थी वो. तो लाइक फ़ोन उठाओ 6 तो आपके नहीं, वो ऑपरेटर आती थी, हेलो. अच्छा. हाँ मैडम, जरा 6 नंबर लगा दी. लाइक अग्निहोत्री साहब के घर. हाँ. अच्छा, तो ऐसा. तो मैं आते ही साथ एक जिस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, हालांकि उसका नाम तो कैम्ब्रिज स्कूल था, बट इट वाज अ वेरी
बड़ा गेटो वाला समझ गया, भोपाल का कैम्ब्रिज। हाँ, गेटो स्कूल, कैंपियन वाज अ मॉडर्न स्कूल। अच्छा, कैम्ब्रिज बड़ा वो था। तो अभी जैसे वो हिजाब हिजाब की बात चल रही थी, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी सुन के वो सब। हाँ। जिन लोगों ने रियल लाइफ नहीं देखी है ना, हाँ। तो ऐसा होता नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। तो मैं वहाँ पे पढ़ा, फिर सेंट्रल स्कूल में पढ़ा, केंद्रीय विद्यालय में। नहीं, कोई बात बताओ, जब आप पढ़ते, आपने कहा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, आपको अमीरी गरीबी का फर्क समझ आ गया था कि कुछ लोग अमीर होते हैं, उनके पास गाड़ियाँ होती हैं, हम लोग गरीब, मतलब क्या आप वो लोग अमीर होते हैं ये पता था? वो लोग मतलब जो कुछ बंबई में बड़े सेठ, और अमीरी का मतलब था टाटा और बिरला, सिर्फ दो मैं नाम जानता था और तीसरा मैं जानता ही नहीं था कोई, महिंद्रा किर्लोस्कर, आई हैड नॉट हर्ड दोस नेम्स। तो टाटा और बिरला होते थे। और सी, छोटे शहरों की लाइफ ऐसी थी कि मोस्टली लोग जो थे वो, कि अगर उसकी नल की टोटी ख़राब हो गई तो नई नहीं लगवानी है, कुछ कपड़े से बांध देना है, ये करना, जुगाड़ू चीज़ें, हर चीज़ घर में सेल्फ रिपेयर होनी चाहिए। हाँ। तो वो एक माइंडसेट था, सुबह उठ के पानी टंकी में भरना चाहिए, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। मैं आटा पिसाता रहा, मैं जब तक कॉलेज में था तो मैं साइकिल में आटा ले जाता था पिसाने, गेहूं और आटा पिसा के लाता था। एंटीना ठीक करना, हाँ, वो एंटीना भी बाद में आया, एंटीना भी बाद में आया। हाँ। बट एट दिस दैट एज आपको क्या लगता था कि मैं बड़े होकर क्या बनूंगा? लाइक बिकॉज छोटे सपने, छोटी, आप कह रहे हो कि मेरे को लगता था यही लाइफ है, अमीर तो बस टाटा बिरला होते हैं, तो आपको क्या लगता था मैं क्या करूंगा बड़ा होकर? देखो, मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूं, तो वहां पे आइडियल्स जो थे, सबसे पहला बच्चों को सिखाया जाता था कि बड़े होके क्या बनोगे, तो जो सबसे होशियार बच्चा होता था कहता था प्रधानमंत्री। वाह। हाँ, प्राइम मिनिस्टर, वो सेंट्रल स्कूल में एक्चुअली पूछते थे टीचर लोग, तो कोई एक आध लड़का बोलता भी था प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। तो जो हमको सिखाया गया था आईएएस बनना है, तो मेरे को आपको 12th तक आईएएस ऑफिसर बनने का वो था, पर फिर मुझे 12th में समझ में आ गया कि नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर मी, ये मैं कुछ भी, बिकॉज मैं वो 9 to 5 की मेरी प्रवृत्ति नहीं थी। और मुझे लगा ये आदमी तो किसी और से ऑर्डर लेता है, यू नो, एज यू डिस्कवर इट स्लोली। तो बस मुझे ये था कि मुझे भोपाल से बाहर निकलना है, यहाँ से भागना है। क्यों? पर आपको लगता था कि लाइक देयर इज अ वर्ल्ड? इसलिए उस टाइम तो इंटरनेट नहीं था, उस टाइम तो गूगल नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, आपको नहीं पता भोपाल के बाहर क्या है। या बट व्हाट मेड यू? मुझे ऐसा लगता था कि क्या होता है कि देखो, दो, मुझे उस वक्त भी एहसास था कि कुछ लोगों की बड़ी गरीबों जैसी मानसिकता होती है। क्या है गरीबों वाली? गरीब एक पॉवर्टी कॉन्शियसनेस और एक अबंडेंस कॉन्शियसनेस, उस तरह से। ये जरा बताइए, बिकॉज लाइक आई सेड, आई विल स्टॉप यू फॉर लेसंस, आई थिंक इट्स समथिंग यू टच्ड अपॉन, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, कि एक चाहे पॉवर्टी मेंटेलिटी बोलो या स्केर्सिटी मेंटेलिटी बोलो, और एक अबंडेंस मेंटेलिटी आपने कहा, व्हाट इज इट अकॉर्डिंग टू यू? तो पॉवर्टी कॉन्शियसनेस में क्या होता है ना कि फोर्स्ड ड्रीम्स होते हैं, मतलब एक टेम्पलेट ड्रीम होता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे घर में टीवी नहीं है तो तुम्हारे लिए सक्सेस का मतलब है टीवी होना चाहिए, तो जो पड़ोसी के घर में जो बेटर चीज़ है उतना ही आप तो आपकी जो सोच है पड़ोसी की अबंडेंस उसकी ग्रोथ के साथ होती है। और जो अबंडेंस कॉन्शियसनेस वो ये है कि नहीं, मेरे को कुछ अलग चीज़ करनी है, आपको ये नहीं पता क्या करना है। सो उसमें ये भी नहीं कि स्काई इज़ द लिमिट, आपको लगता है स्काई भी नहीं है, मैं कर सकता हूँ, मुझे बाहर निकलना है, आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, मुझे ये हमेशा से था। पर ये नहीं पता क्या था? कुछ नहीं, नो आइडिया, मुझे अभी भी नहीं पता। एंड यू थिंक लाइक, जैसे कोई, आप ये 17-18 साल के थे जब आप ये सब चल रहा था, तो डू यू थिंक जो 17-18 साल के लोग ये देख रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल आई थिंक, कई लोग ये सोचते हैं यार कुछ करना है लाइफ में लेकिन पता नहीं है क्या करना है, इज़ दैट ओके? एब्सोल्यूटली, मुझे तो अब मैं यानी ठीक है, ये थोड़ा सा मैनेजमेंट में जो पढ़ाते हैं और जो मोटिवेशनल लीडर्स, वैसा थॉट नहीं है मेरा, मेरा थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि मेरा अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस है। मुझे ऐसा लगता है कि रोड मैप ना होना ज़्यादा अच्छा होता है, यू नो, रोड मैप बांध देता है आपको। तो जो लोग कहते हैं ना ड्रीम और ड्रीम बिग, अब ये बिग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ड्रीम बिग क्या होता है? ड्रीम बिग मतलब एक गाड़ी हो, बंगला हो, मेरी फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, बिग वो जो हम फिल्मों में देखते हैं वो बिगनेस हो जाती है, पर बिग कैन बी एनीथिंग। Yes. You know, big can be Mother Teresa also. You know, that big can be Elon Musk or Narendra Modi or Gandhi. It can be anything. Impact. Yeah, impact. Huh. How you can influence the world, change the world. तो इसलिए मैं सबसे अपने बच्चों से, जिनसे बोल सकता हूँ उन्हीं से बोलता हूँ, उनसे मैं ये कहता हूँ, don't dream. Have vision. ये ड्रीम ही नहीं है, ड्रीम रिग्रेसिव, वो पीछे से आता है सबकॉन्शियस से, कि एक दिन मेरी ऐसे 6 bedroom का घर होगा, तो फिर 6 का ही हो जाएगा तुम्हारा। तुम फंस जाओगे उसमें। तो मैंने एक किस्सा सुना था बचपन में, बहुत छोटा, जब छोटा था तो कोई एक चाचा जी वगैरह आते थे अमेरिका से, तो वो सुनाते थे, उन्होंने किस्सा मुझे सुनाया था, उसका इतना इम्पैक्ट हुआ मेरे दिमाग में कि आज भी मैं हर समय वही सोचता हूँ। तो मुझे बताते थे कि वहाँ फोर्ड फैक्ट्री में, फोर्ड में काम करते थे वो, तो पता नहीं सच्ची किस्सा है कि नकली है मुझे पता नहीं, फोर्ड फैक्ट्री में एक कोई नया यंग अप्रेंटिस था,
तो उसने कुछ जुगाड़ उगाड़ करके कोई बड़ा अच्छा इनोवेट कर दी कोई चीज़। तो उसका फोरमैन जो था, जो उसका बॉस था, उसने जाके बोर्ड वोर्ड में बताया होगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे चेयरमैन ने बुलाया और बोला कि तुमने इनोवेट किया, आस्क फॉर एनीथिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट, आई विल गिव यू वॉट एवर डेजिग्नेशन यू वॉन्ट। तो उसने बोला सर मुझे फोरमैन बना दीजिए, बिकॉज दैट्स ऑल ही कुड थिंक, जिससे ऑर्डर लेता था उसको, जो यही सबसे बड़ा पावर है, तो वो फोरमैन ही बन गया फिर। तो इसलिए अब मुझे ऐसा लगता है कि जो हम कहते हैं कि ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए, ये रोड मैप है या उसकी तरह बनो, वो नहीं होना चाहिए। हमको ना एकदम क्लीन कैनवस बच्चों को देना चाहिए और लेट देम जस्ट कीप एक्सपेरिमेंटिंग। ओके, सो जब आपने कहा कि मैंने आईएएस नहीं बनना, और आपके पेरेंट्स, आप कह रहे हो आपकी फैमिली में यही वैल्यू सिस्टम कि जो अच्छे भाई पढ़ो लिखो आईएएस बनो, जब आपने कहा मैंने नहीं बनना है, तो डांटे नहीं पड़ी या सपोर्टिव थे? नहीं, सपोर्टिव तो नहीं थे, हाँ, माय मदर हु वाज अनएजुकेटेड, शी वाज परहैप्स सपोर्टिव इंस्टिंक्ट के लेवल पे। तो मैंने क्या किया कि मुझे ऐसा लगा भोपाल से बाहर निकलना चाहिए, तो वो डिबेट कॉम्पिटिशन्स में बाहर जाया करते थे उस जमाने में, यूथ कैंप में, इधर उधर यूथ फेस्टिवल्स में, तो मैंने डिबेट बोलना शुरू किया। okay. पर मैं इंग्लिश में नहीं बोलता था, तो एक इंग्लिश और एक हिंदी वाला जाता था, तो मेरी हिंदी अच्छी थी तो मैं हिंदी डिबेट में चालू हो गया, तो मैं बाहर जाने लगा। वेयर? लाइक बैंगलोर, कुरुक्षेत्र, जो कॉन्टेस्ट, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में, ऑल दैट, एंड दैट गेव मी सम एक्सपोजर कि बैंगलोर गए तो अरे यार ये तो भोपाल तो इतनी छोटी सी जगह है, हर कोई एक दूसरे को जानता है, सो दिस इज़ बिग। सो आई सेड द फर्स्ट थिंग आई हैव टू डू इज़ गेट आउट ऑफ भोपाल, तो किसी एक बड़ी जगह में जाना है। और दूसरा क्या हुआ कि मैं बहुत, उस वक्त यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी, तो मैं उस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया एंड ऐसा लगा कि लेट्स चेंज द वर्ल्ड, क्रांतिकारी बनते हैं, ऑल दैट। तो मैं ये जो लेफ्टिस्ट मॉइस होती है उसमें, तो उसमें फिर बसें ऐसे पे पत्थर फेंकना, बसों में आग लगा देना, वाइस चांसलर का कमरा तोड़ देना, ये सब आप, सब मैं कर चुका, आपकी हॉबीज थी? नहीं, हाँ बिल्कुल, हमने शौक से बहुत किया मैंने। तो जो फ्रस्ट्रेशन होता है, देखिए, एंड यू वर देन विद द लेफ्ट पीपल देन? या हार्ड कोर लेफ्टिस्ट यू वर? हाँ ऑफ कोर्स, या तभी तो आई डोंट नो इफ पीपल नो दिस दैट मच, नहीं नो, मेरी बुक में लिखा, नाउ एवरीबॉडी नोस, तभी तो मैं उनकी ट्रिक जानता हूँ सब। तो एकदम हार्ड कोर लेफ्टिस्ट जो पॉलिटिक्स होती है, हर चीज से गुस्सा। But why were you feeling that need and rage and मतलब शुरू से you had some anger in you or? Yeah, मुझे ऐसा, मुझे I think naturally मुझे ऐसा लगता था कि लोगों की सोच बहुत छोटी है and this country can be something else and I always wanted India to, और हमारे and but at that time you thought maybe these left people have the answers. Yeah, मतलब because as a young person said कुछ बदलना चाहिए and maybe these have, they have the answers. और बदलने का सबसे अच्छा तरीका है कि सिस्टम पे पत्थर फेंको, तो बस जला दो, यूनिवर्सिटी में कांच तोड़ दो, वाइस चांसलर को पकड़ के लॉक कर दो कमरे में, सो ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स वी थॉट इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। एंड फिर मेरी लाइफ में चेंज ऐसे आया कि एंड दैट वाज अ मेजर चेंज, एंड देन यू लेफ्ट। नो, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैसे आई एम इन भोपाल, स्टोरी को वही, सो आई एम इन भोपाल, यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स, यूनिवर्सिटी लीडर, पॉपुलर लीडर, डिबेटर, वो सब चल रहा है। यू आर द, जैसे वो फिल्मों में कैरेक्टर दिखाते हैं ना, जैसे रिबेल टाइप लड़के जो रंगदेव साथ, यंग नाना पाटेकर, हाँ हाँ यस, कि ऐसे शीशे तोड़ के आ गया है, डिबेट भी कराया है, जुनून है, हाँ, जेल चले गए, पुलिस जेल भी गए, हाँ वो तो जब बस में मारोगे तो पुलिस पकड़ के 100 लड़कों को ले जाती थी, तो जेल मतलब क्या, एक बड़े किसी हॉल में बंद कर दिया। चाहते क्या थे, बस क्यों तोड़ रहे थे? कुछ नहीं पता, बस तोड़नी है, बस एक गुस्सा है, एक एंग्स्ट है हर चीज के अगेंस्ट। नहीं, और होता क्या है, जब कॉलेज में जाते हैं तो अभी देखिए चेंज हो गया है, आप इमेजिन करिए 80s का इंडिया, प्री लिबरलाइजेशन, तो उसमें आपके पास सिर्फ बाटा और कोरोना की चॉइस है जूतों में, आपके पास कोई चॉइस नहीं है लाइफ में। लड़कियां भी, अगर आप यंग हैं टीनेजर और अगर किसी लड़की को देखना चाहते हैं तो 2-3 लड़कियां हैं जो सड़क पे अकेली चलती हैं, पैदल चलती हैं, तो योर चॉइसेस एंड एवरीथिंग इज वेरी लिमिटेड। तो करे तो आदमी करे क्या, तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं सरेंडर कर देते हैं, तो फिर वो पीटी का एग्जाम दे रहे हैं, उस वक्त पीटी होता था, तो इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, हाँ। और नहीं बन पाए तो डिप्रेस हो जाते थे, फिर उसके बाद लॉयर बन गए या टीचर बन गए, और बहुत कम होते थे जो दे वॉन्टेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम दैट सिस्टम। तो जैसे आप यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में जाते हैं तो चॉइसेस उसमें भी बड़ी कम है, हाँ। एक तरफ प्योर लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स है और एक तरफ बिल्कुल हार्ड कोर कांग्रेस और बीजेपी की पॉलिटिक्स है, तो वो कहती है कांग्रेस बीजेपी की ये टेम्पलेट है, इसको फॉलो कर लो, और लेफ्टिस्ट कहती है अरे तुम सिगरेट नहीं पीते हो यार,
कैसे माँ बाप हैं तुम्हारे, सिगरेट पियो, दारू पियो, फ्री सेक्स करो, जमाने को बदलो, जला दो बस ये सरकार की है, आग लगा दो दुनिया में। तो so you used to drink it all. I know you don't drink now, but at that time तो सब कुछ फिर, हाँ, तो जो जो वो हमारे फ्रीडम फाइटर खादी पहनने वाले माँ बाप ने मना किया था वो हर चीज सब आपने करी। और तो मतलब अब तक जब लोग अगर आपकी लाइफ ट्रैक करें कि हाँ भाई बच्चा होनहार था शुरू से, अभी तक तो कोई आसार नहीं लग रहा है कि ये आदमी कोई होनहार नहीं, 350 करोड़ की फिल्म बनाएगा, इंडियाज़ बिगेस्ट फिल्म बनेगी, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये आदमी बहुत ही डिस्ट्रक्टिव पाथ पे है और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला है। क्योंकि कोई भी ऐसे फंस जाते आप किसी बड़े चक्कर में तो होगी गेम ओवर, फिर अंदर चले जाते कई साल के लिए, कुछ भी हो सकता था। या क्या पता अभी मैं जेल में होता, सेडिशन चार्ज में, ऐसा हो सकता था, बिल्कुल पॉसिबिलिटी थी। पर फिर हुआ क्या कि एंड आई वांटेड टू लीव भोपाल, किसी तरह से मैं निकलना चाह रहा था वहाँ से। तो मेरा एक दोस्त मुझे मिला जो, उसने बोला कि एक IMC करके एक जगह है दिल्ली में और उनके एग्ज़ाम्स होते हैं एंट्रेंस के, तो मैं उसके लिए जा रहा हूँ, चलो 3-4 दिन घुमाएंगे, फॉर्म भर दो ये। तो मुझे लगा हाँ यार ये छुट्टी, इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास, हाँ दिल्ली में जो JNU कैंपस में। तो मैंने कहा चलो इस बहाने घूम आएंगे, बम्बई से, दिल्ली से, भोपाल से तो बाहर निकलते हैं। तो फिर माँ बाप को थोड़ा घुमा फिरा के ये करके कि नहीं ऐसा ऐसा है, तो माई पेरेंट्स हैड नो आइडिया एडवर्टाइजिंग क्या होता है, कुछ ज़्यादा उनको पता नहीं था। उनको लगा एडवर्टाइजिंग मतलब वो जो दीवारों में लिख देते हैं या होर्डिंग लगा हम देते दो, हैं हमारे दो, हाँ उस तरह। तो उस बहाने में गया, पर पता नहीं क्या हुआ, वो एप्टीट्यूड टेस्ट था, वो पीट, वो इंजीनियरिंग जैसा नहीं था जिसमें जीरो हीरो मिले थे हम लोगों को। तो वहाँ पे वो वाइवा जैसा होता है इंटरव्यू एंड ऑल, और वो ये इट्स अबाउट योर अवेयरनेस अबाउट सोसाइटी पॉलिटिक्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो उसमें मैंने टॉप कर दिया। ओके। तो उसमें करीब 2,500-3,000 लोग बैठते हैं और 25 लोग सेलेक्ट होते हैं, उस जमाने की बात कर रहा हूँ। तो मेरे को फ्रीशिप भी मिल गई, और जो एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है फ्रीशिप मिल गई, मतलब एक भी पैसा नहीं देना एजुकेशन की, दिल्ली में कोई अच्छा है तो कर लो। तो दैट्स हाउ आई गॉट आउट ऑफ। इससे पहले यू जस्ट सेड इंजीनियरिंग में आपको जीरो मिले थे। हाँ, मेरे PET के एग्जाम में मुझे बिल्कुल जीरो में, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया क्या था क्या नहीं था, क्योंकि मैं तो पॉलिटिक्स कर रहा था पूरे टाइम। देने क्यों गए थे? हाँ, जब माँ बाप कैसे क्यों नहीं जाते हैं, माँ बाप का तो सपना था कि बेटा इंजीनियर बने, IAS बने, वो सपना था। तो यू गॉट अ जीरो या जीरो, जीरो के तो मल्टी चॉइस भी अगर कोई तुक्के से भी करते तो थोड़े से मार्क्स नहीं, वो एक 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 वो उस वक्त इतने ज्यादा हम लोग लेफ्टिस्ट थे ना कि जीरो लाना है, हाँ बस जीरो लाना है, ये प्रूव करना है कि ये सिस्टम बेकार है। क्या ओके, बट IIMC यू टॉप्ड या विद द एंट्रेंस? या आई टॉप्ड द एंट्रेंस एंड देन यू ज्वाइंड IIMC। हाँ, और मैं फ्रीशिप मिल गई भोपाल से, फ्रीशिप मिल गई मुझे, ठीक है। और मैंने कुछ डिबेट्स में पैसे ऐसे जीते हुए थे, तो मेरे पास करीब 8-10 हज़ार रुपये थे, क्योंकि मैं 3 साल किया था मैंने नॉन स्टॉप। सो फिर मैंने अपने फादर से कहा मुझे आपका एक भी पैसा नहीं चाहिए। ओके, बट द रिलेशनशिप वॉज गुड विद हिम? हाँ, ऐसा कोई यानी प्रॉब्लम नहीं था। थोड़ा एक पीरियड वो आई मीन विच फादर वुड लाइक कि बेटा की फोटो छपे कि ये जेल गए थे या बस जला रहे थे, ये अच्छी बात नहीं है ना। मतलब वही मैं सोच रहा था कि आपके पापा में बहुत पेशेंस थी कि जेल में है, जीरो PET में, और फिर भी मतलब ऐसे पूरा नहीं बरस से। हाँ, बट देन ही थॉट मे बी आई विल फाइंड माई सॉन्ग अगर मैं चला जाऊँ तो। यू थिंक दैट्स ओके? यू थिंक दैट्स अ गुड पेरेंटल अप्रोच कि इफ अ चाइल्ड, जैसे कोई बच्चा है भटक रहा है, आप भटके हुए थे एक तरह से, आप खुद ही कह रहे हो, एक तरह से आप कह रहे हो आपके फादर ने कहा कि चलो अपना रास्ता ढूंढ लेगा, इज दैट अ करेक्ट वे? और आपको लगता है नाउ यू आर अ पेरेंट, तो लाइक यू नो कि इंटरवेंशन कि ओए तू सीधा इधर आ पटरी पे। नहीं, मुझे लगता है भटकना चाहिए, भटकना ज़रूरी है, हर आदमी को भटकना चाहिए। मुझे देखो ये दुनिया है, ओके, आप एक्सप्लोर ही नहीं करोगे, जंगल में भटक जाओ तो रास्ता हमेशा मिल जाता है। और जिन लोगों का मैप होता है वो हमेशा रास्ता खो जाते हैं। मैं बहुत जंगलों में, मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ पिछले 25-30 साल से, बहुत जाता हूँ मैं, हर साल एक महीने के लिए जाता हूँ जंगलों में। रियली? हाँ, मैं एक महीने के लिए अकेला जाता हूँ मैं, आई ऑलवेज गो एंड आई जस्ट डू माई थिंग। वॉट वी हैव टू टॉक अबाउट दिस, वॉट इज दिस डू माई थिंग, कहाँ कौन से जंगल? बताऊंगा मैं, सो वी विल गेट टू दैट जंगल। तो मैंने ये देखा है कि जो अननोन टेरिटरी होती है ना, उसमें अगर आपके पास मैप है तो आप भटक सकते हैं। इसलिए कि अगर समझो आप दिल्ली में हैं और मैंने वो गलती से ऊपर प्रिंटर जो पब्लिशर है उसने
मुंबई के मैप पे दिल्ली प्रिंट हो गया गलती से। हाँ जी। तो आप पूरी जिंदगी जो है इंडिया गेट खोजेंगे आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो गेटवे ऑफ इंडिया का मैप है। हाँ। और आप ढूंढ रहे इंडिया गेट आपको मिलेगा नहीं। हाँ। तो मैपिंग का प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैप होना ही नहीं चाहिए। यू शुड एक्सप्लोर, जस्ट लीव पीपल अलोन एंड दे विल अल्टीमेटली फाइंड देयर पाथ। एज अ पेरेंट आप कर सकते हो अपने बच्चों के साथ? मैंने किया है, कर नहीं रहा हूँ, मैं कर ही दिया। हाँ? या, कर बेटा तू, फ्री रेंज, हाँ, जो करना करो, ऑर्गेनिक, या ऑर्गेनिक बच्चे पलेंगे। हाँ। फैक्ट्री स्टाइल नहीं पड़ेंगे। मोस्टली तो लोग फैक्ट्री स्टाइल ही बच्चे पाल रहे हैं, तभी तो इतने दुखी हैं लोग कि माँ बाप कह रहे अब तू इसी लाइन में रहेगा, तू इंजीनियर बन, तू डॉक्टर बन। और इसीलिए मीडियोक्रिटी है, क्योंकि किसी और का विजन जो है, विजन भी नहीं, कंपल्शन जो है, बच्चे बेचारे अपने कंधों पे ढो रहे हैं। हाँ, ऐसे भी कई हैं जो खुद नहीं बन पाए तो वो चाहते हैं उनके बच्चे बन जाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे तो बहुत हैं। या और रियलिटी शोज में तो आप देखते हैं जो लोग खुद नहीं फेमस हो पाए, बच्चों को फेमस कराना चाहते हैं, धक्के लगा रहे हैं। दोस आई फाइंड वेरी डिस्टर्बिंग, वो जो वेरी बहुत डिस्टर्बिंग है, जो छोटे छोटे बच्चों को नचवा रहे हैं, छोटी छोटी लड़कियां, लाइक आई मीन इट्स आई डोंट इवन नो हाउ दे आर लीगल ऑनेस्टली। हाँ, वो गलत है, वो गलत है। आई मीन अगर आप, क्योंकि मैंने ऑल सडन अन इवन दो डिबेटेबल है, मुझे करना चाहिए था कि नहीं, बट मैंने एक डांस शो जज किया था, पार्ट नहीं लिया था, वो नच पे लिया, और उसमें बच्चे थे? नहीं, बच्चे नहीं थे, ग्रोन अप्स का था वो। मैं कह रहा हूँ विवेक कि ग्रोन अप्स भी इतना जब हारते हैं महीनों की प्रैक्टिस के बाद, उनको और ऐसे देखा ना, वो तमाशे के लिए उनको थोड़ा नॉट जलील करके, बट थोड़ा ऐसे झटके से निकाल दिया जाता है, आज आपका रास्ता बंद, ढाई 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 म्यूजिक, तो बड़े बड़े रो पड़ते थे एंड फिर ऊपर से आवाज आती थी, कैमरा लेके जा, कैमरा लेके जा, रोने पे पकड़ो आंसू पकड़ो, है ना। एंड बड़ों के लिए मुश्किल हो रहा था, मेरे लिए एज अ जज मुश्किल हो रहा था। तो जब आप 8 साल के बच्चे के साथ वैसा कर रहे हो, 6 साल के बच्चे के साथ ऐसा कर रहे हो, इट कुड स्कार देम फॉर लाइफ। ऑफकोर्स, यस, आई मीन, और इतना ज्यादा प्रेशर है उनके ऊपर टू परफॉर्म। सी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो प्रेशर टू परफॉर्म है ना, इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। राइट, इंसान इस दुनिया में परफॉर्म करने के लिए नहीं आया है, इंसान एक्सप्लोर, लर्निंग और एक्सपीरियंस के लिए आया है। वो तो तभी मिलेगा जब एक बच्चे को रूम में छोड़ दो और हर एलिमेंट के साथ वो खेले, कुछ तोड़े, कुछ खराब करे, तब तो वो सीखेगा। बट दिस इज वेरी डिफरेंट थिंकिंग। टेल मी समथिंग देन, वेयर इज एक्सीलेंस इन दिस? जब कहते हैं कि भाई काबिलियत रखो, मेहनत करो, अपनी मन और बेटर हो काम पे, एक तरफ से आप कह रहे हो वो, दूसरी तरफ कह रहे हो जो करता है करने दो। तो एक्सीलेंस क्या है? देखिए, दो तरह की एक्सीलेंस है। एक एक्सीलेंस है जो नौकरी वाली एक्सेलेंस है, मतलब एक मालिक है, उसने अब कहा कि अच्छा, इन लोगों से मुझे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकलवानी है, तो उसने तरह तरह के स्वीट टॉक क्रिएट कर दिए और बोला कि एक्सेलेंस ये है। राइट, लेकिन वो एक्सेलेंस नहीं है, वो तो रेपिटिशन है, वो तो आप एक चीज़ को रिपीट कर करके फाइन ट्यून कर रहे हैं। एक्सेलेंस तो ये है कि तुम जंगल में हो, तुम खो गए, अपना रास्ता ढूंढा तुमने और तुम्हें अपनी लाइफ का ट्रेजर मिल गया। एक्सेलेंस तो वो है टू फाइंड योर ओन सॉन्ग। कौन सा ऐसा आदमी है जो नौकरी करता है और उसको अपना सॉन्ग मिलता है? अनलेस एंड अंटिल ही परस्यूज अदर थिंग्स। तो मैं उस एक्सेलेंस और ड्रीमिंग की डेफिनेशन से बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ। पहले करता था, पर अब नहीं करता हूँ। बट टेल मी समथिंग, आई एम जस्ट फॉर डेविल्स एडवोकेट रीजन, आई रियली लाइक योर थिंकिंग, आई विश मोर पीपल वर लाइक दिस, और लोग ऐसा सोचते। पर वो लोग जो ऐसा नहीं सोचते, वो ये बोलेंगे सर आप ऐसा कह रहे हो और बच्चे को खुला छोड़ दो या यंगस्टर्स को जो करते करने दो, और वो तो सीधा इंस्टाग्राम की रील्स में 6 घंटे रोज बर्बाद करेगा। नॉट रियली। अगर आप बच्चे को बचपन से, अभी क्यों कर रहा है वो? इसलिए कि आपने उसको सिखा दिया कि सारी गाड़ियां इस डायरेक्शन में जा रही हैं, तुम्हें भी जाना है, तो सब इंस्टाग्राम की तरफ जा रहा है, तो वो भी जा रहा है। राइट, लेकिन अगर आप बचपन से ही उसको ये बताओ कि तुम हो, तुम्हें किसी के जैसे नहीं बनना है, तो वो बच्चा धीरे धीरे, आप देखिए कहीं ना कहीं, और इंस्टाग्राम रील बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर वो सिर्फ रील बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, जा रहा है रील, हाँ, सिर्फ देख रहा है दूसरों की, हाँ, तो तब वो प्रॉब्लम है। और वो कहाँ से आता है कि इफ पेरेंट्स आर लिटिल डेयरिंग तो बच्चे भी डेयरिंग हो जाते हैं। लेकिन अगर आप डंडा लेके उसको सिखाते ही रहो कि नहीं नहीं ये करो ये करो ये करो ये करो, सो लुक एट योर ओन लाइफ, यू हैव चेंज्ड सो मेनी ट्रैक्स, शुरू कहीं से हुई, ऑथर बने, नच बलिए किया, अभी आप पॉडकास्ट कर रहे हो, कल क्या करोगे कुछ पता नहीं सर। मैं तो यू आर एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ। मैं तो बहुत ही कंफ्यूज्ड आदमी हूँ, पर हाँ, मेरा भी यही है। मुझे कुछ, कई लोग कह रहे हैं अब अगला क्या, मैंने कहा मुझे ही नहीं पता अगला क्या है, भैया चेतन ने बुलाया मैं चला आया। हाँ, तो वैसा कुछ हो गया। फिर मैंने ज्वाइन किया एडवर्टाइजिंग एंड पीआर। सो यू फिनिश्ड आईएमसी? नो, आईएमसी में मैंने एडवर्टाइजिंग एंड पीआर। एक चीज बिफोर वी मूव ऑन, एक मेरे को आपकी चीज बड़ी अच्छी लगी जो आप कई बार अभी इतने फ्यू मिनट्स में ही आ गई है,
आपने कहा पहले मैं लेफ्टिस्ट था, अब अलग सोचता हूँ, पहले मैं ऐसे सोचता था बच्चों के बारे में, अब मैं ऐसे सोचता हूँ. यू आर नॉट अफ्रेड टू से कि आई यूज टू हैव दिस बिलीफ सिस्टम बट नाउ माई बिलीफ सिस्टम हैज़ चेंज्ड. इट्स वेरी रेयर एंड रिफ्रेशिंग टू हेयर दिस, बिकॉज आजकल तो ये है कि सर आपने एक चीज़ बोल दी, आप अपना मन नहीं बदल सकते अगले 25 साल. आपने बचपन की दी हुई ट्वीट आपके बुढ़ापे तक, मतलब आपने 10 साल की उम्र में जो ट्वीट डाली है आपके डेथ बेड तक आपको सुनाई जाएंगी कि आपने वो लिखा था. अब आप वही हैं, आप वही थे. आपने अगर लिख दिया था वहाँ की मुझे इडली पसंद है, डोसा नहीं, और 20 साल बाद आपको अब डोसा ज्यादा पसंद है, तो आपको वो अलाउड नहीं करेंगे. बिल्कुल नहीं करेंगे. तो व्हाट डज दिस प्रूव, व्हाई इज दैट इन सोसाइटी, एंड हाउ कम यू आर डिफरेंट, एंड व्हाई डू यू थिंक वन शुड बी लाइक दिस? यू आर नॉट अफ्रेड टू से कि हाँ यार मैं था लेफ्ट के साथ, अब नहीं, अब मेरे को ठीक नहीं लगता. व्हाटएवर आई थिंक as a writer, as a human being, as somebody who's smart and intelligent, you should be allowed to change your mind. When the facts change, your mind should change. नहीं, अब उस हिसाब से तो फिर मतलब आपको अपनी सिटी ही नहीं चेंज करनी चाहिए. भाई मेरे दादाजी यहीं मरे थे इसी खटिया पे, मुझे इसी खटिया में मरना है, तो वो तो वाली बात हो गई. लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और ये मुझे शुरू से लगता है, मुझे आज नहीं, मैंने बताया मैं भोपाल में छोटा था तब भी मुझे ये लगता था कि हम आए क्यों, व्हाट इज द पर्पज, व्हाई आर वी हियर इन दिस वर्ल्ड, हम हैं ही क्यों पहली बात. राइट, या तो हम एक टॉय हैं, किसी ने चाबी भरी और वो टॉय पूरी ज़िंदगी वैसे ही परफॉर्म करता रहेगा. मैं जैन के बारे में भी खूब सीखना चाहता हूँ, मैं कैपिटलिज्म के बारे में भी सीखना चाहता हूँ, मैं सोशलिज्म को भी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ थोड़ा सा लाइफ में, मैं हर सीज़न हर कलर को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ. पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक चीज़ फॉलो नहीं कर सकता. मैं फॉलो कर रहा हूँ, पर विद इन दैट आई एम ब्रिंगिंग इन न्यू वेज ऑफ डूइंग इट, यू नो. तो अप्रोचेस जितनी आप ट्राई करेंगे, तो वो लेफ्टिस्ट में था, एंड जब मैं एडवर्टाइजिंग एंड पीआर में गया, एंड फिर मैंने एडवर्टाइजिंग ज्वाइन की ओएनएम, नहीं ओएनएम, आई स्टार्टेड विद ओएनएम मुंबई, व्हिच इज एन एड एजेंसी. एड एजेंसी, हाँ. मैंने भी जब मैं आईएम में था तो मैंने लिंटेस में अपनी इंटर्नशिप की, तो थोड़ा बॉम्बे में, हाँ, लिंटेस 4 इन एक्सप्रेस टावर, सो थोड़ा बहुत मुझे एडवर्टाइजिंग का पता है. पर एनीवे, और उसके बाद मैंने जेडब्ल्यूटी ज्वाइन किया. तो उसमें हमने कौन से कंपनियों के इश्तेहार बनाए? जो लोगों ने ऐड देखी हो, क्या पता. मैं मेरा पहला जो था ये तो इंटर्नशिप थी ओएनएम में, लेकिन जब मैं फुल फ्लैज जॉब मैंने जेडब्ल्यूटी ज्वाइन किया, तो फर्स्ट कंपनी आई वर्क विद वाज नेस्ले. हाँ. और तब वो 2 मिनट मैगी की कैंपेन पहली मेरी थी, यानी वो हो गया था लॉन्च. तो फिर मैं रिसर्च में मेरे को डाल दिया गया कि प्रोडक्ट रिसर्च, कंज्यूमर बिहेवियर एंड साइकोग्राफिक्स एंड ऑल दैट. सो दैट गेव मी एन एक्सपोजर ऑफ अ डिफरेंट काइंड. और मुझे समझ में आया इस दुनिया में तो इतने तरह तरह के लोग होते हैं, साइकोग्राफिक्स इतनी अलग अलग होती हैं, बिहेवियर इतना अलग अलग होता है. और तब मैंने दुनिया को समझना शुरू किया, और मुझे लगा कि जो लेफ्टिस्ट जो पूरी आइडियोलॉजी है, ये तो आदमी को रिग्रेशन की तरफ ले जाती है. ये एक्चुअली ले भी जाती है, इसमें कोई शक भी नहीं है. क्योंकि अगर आपने कहा सब एक ही हैं, सब कुछ एक ही है, सब कुछ इक्वल है, यस, आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस में सब इक्वल होने चाहिए, लेकिन अदरवाइज तो हम इक्वल हो ही नहीं सकते, वो तो यूनिवर्सल लॉ के ही अगेंस्ट है. आप और मैं इक्वल कैसे हो सकते हैं? जस्ट बिकॉज वी हैव द सेम माइक डजंट मेक अवर वॉइसेस सेम ना. वॉइस डिफरेंट है, थॉट्स डिफरेंट है. तो मुझे समझ में आया कि वो लोग बेसिकली सारी दुनिया को मीडियोकर बनाना चाहते हैं, और एक टॉप पे रूलर या एक आइडियोलॉजी है वो सबको डिक्टेट करे. दैट्स द हिडन प्रिंसिपल जो बोलते हैं. और फिर मैं कंज्यूमरिज्म, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कंज्यूमरिज्म. फिर मैं वहाँ पढ़ रहा था तो माई बॉस टोल्ड मी कि तुम एक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर लो कुछ, तो ही हेल्प मी गेट इन टू हार्वर्ड. हाँ, एक बात बताओ, आपने एड एजेंसी पे रहते बिकॉज बिफोर यू गो टू हार्वर्ड, विच इज़ अमेजिंग. मेरा जहाँ तक लिंटस का एक्सपीरियंस रहा है, एंड ये सारी एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड का है, आप एकदम ज़मीनी और वेरी रियल पर्सन यू आर. एंड आप खुद ही ऑन कह रहे हो कि मैं तो यार हिंदी में डिबेट करता था, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी. यू हैव नो शेम. मुझे जेडब्ल्यू तक हिंदी नहीं आती. हाँ, इंग्लिश नहीं आती. हाँ, और एड एजेंसी के अंदर जब मैं गया था, मैं आप बताना आपके टाइम भी यही होगा, इतने फूफा इंग्लिश वाले होते थे. अरे हाँ, अरे. तो आप, मेरे को लग रहा है आप कैसे फिट हुए वहाँ उस कल्चर में, मतलब वो तो वो बताइए, तो वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हुआ? What was it like? That everybody is like, yo, you know, I did this ad campaign and you know the market research. You know what? How they talk. So sometimes. और आप अगर कहते हो कि आप हिंदी के debater हो. Sometimes you have to be lucky. तो actually मैं जब IMC में join किया मैंने, तो उसमें 21 लड़कियां थी, 4 लड़के थे. मैं अब समझ गया आपने क्यों join किया था. ये अब असली बात आई है. और पता है आपने 25 लोगों को लिया था, 21 लड़कियां और 4 लड़के थे. ये सब लड़कियां, कोई एक एम्बेसडर की बेटी थी, कोई बैंगलोर से आया था, कोई और, सब बहुत ही यानी सोफिस्टिकेटेड, रिच, क्योंकि बैंगलोर से दिल्ली भेजना उस ज़माने में मुश्किल था.
दे वर ऑल वेरी एफ्लुएंट रिच लोग थे, और मेरे पास जीन्स भी नहीं थी तब, क्योंकि हमारे माँ बाप कहते थे जीन्स कहाँ, ये तो फालतू लोग पहनते हैं, तुम्हें तो आईएस बनना है, तो क्योंकि सस्ती सस्ते कपड़े हो जाता है, टेलर सिल सकता है जो। बट वहाँ जब मैं था तो एक मेरे साथ किस्मत मेरी अच्छी कुछ ऐसी हो गई कि JWT में जो मेरा जो बॉस था वो ही वॉज ऑल्सो इन टू रिसर्च, तो जब ये प्रोडक्ट्स मार्केट कर रहे थे तो वो स्मॉल टाउन में मैगी जाना चाह रहा था, दे वॉन्टेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम मेट्रोज एंड मिनी मेट्रोज एंड दे वॉन्टेड टू एंटर स्मॉल टाउन। तो हर आदमी वहाँ पे परेशान था कि गरीब आदमी की मेंटेलिटी क्या होती है, इसकी इसकी साइकोग्राफिक्स क्या होती है, और मेरे को तो पता था, अच्छे से पता था, मुझे तो सुबह से शाम तक हाउसवाइफ का बिहेवियर पसंद था, तो वो लोग इंडियन हाउसवाइफ को क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे ही कभी बातचीत में, मीटिंग्स में या कुछ, आई यूज टू गिव लॉट ऑफ इनपुट्स, और वो लोग ऐसे इन ऑ, दे यूज टू लुक एट मी, वो रियली ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो मैंने कहा जैसे ये आपका मैगी है ना, तो आप इस पैकेट को जैसे वो आप वो कहते, अच्छा पहले कैंची से, मैंने कोई कैंची एंची से नहीं काटने वाला है, वैसे दांत में लगाएंगी और यू काटेगी और डाल देगी। तो इसका मतलब मैं वो गरीब मेंटालिटी का ही हूँ कि मैंने आज तक कैंची से मैगी कैंची से नहीं काटा ना, तो शुरू में ही था कट फ्रॉम हियर, वो सीजर्स बनी, मैंने ये सब बकवास है। फिर मैंने कहा ये जो प्लास्टिक भी जो आपका है ना, ये रैपर, इसको इकट्ठा किया जाएगा उन घरों में, वो इकट्ठे होंगे सारे के सारे, फिर उसका रेनकोट बनेगा, हाँ, या दुनिया भर की किसी किसी काम आ ही जाएगा, वो रीसाइकल हो गई डिफरेंट पैक होगा नेक्स्ट डे, या सो आई सेड मेक इट अट्रैक्टिव, यू नो, तो दे वांट टू कीप इट एट होम। तो छोटे 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 आइडियाज इस तरह से, तो उनको ये लगा कि हाँ चलो अंग्रेजी नहीं बोलता है, बंदा है तो इंटेलिजेंट। पर विवेक एक चीज़ मैं आपसे बताऊंगा, मैं थोड़ा अगेन डीप टॉक है तो गहराई में जा रहा हूँ, मैंने देखा है अक्सर जब नॉर्मली जो लोग एक मीटिंग में बैठे हैं जहाँ सारे बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, मैं नॉर्मल एवरेज इंडियन की बात कर रहा हूँ, और अगर आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते और आप छोटे शहर से आए हो और सारे फूफा वाले लोग हैं, आपके पास कोई अक्ल की बात भी हो जो आपके पास थी कि कैंची वाला सिंबल नहीं होना चाहिए, जो भी छोटी छोटी बातें, बोलने की हिम्मत नहीं होती आप में शुरू से थी कि ये चार पाँच अंग्रेज बैठे हैं कोई बात नहीं मैं बोल दूंगा? नहीं ऐसा नहीं था, कोई बोल दे हे डूड व्हाट्सअप तो वही नर्वस हो जाता है ना, आदमी होता है ना, अभी भी होता है। मेरे पास जो लड़के आते हैं राइटर्स छोटे शहरों से, तो उसके पहले वो धर्मा रमा का चक्कर लगा के आ चुके होते हैं, तो वो जैसे ही घुसते हैं कहते हैं हाँ सो डूड वेयर आर यू फ्रॉम, वही नर्वस हो जाते हैं, उनके मुंह से भी नहीं निकलता मैं सहारनपुर का हूँ, तो वो फिर मेरे पास। हाउ डिड यू डू इट बिकॉज़ यू वर वेरी यंग देन? नहीं मैं वही कह रहा हूँ, लकी था मैं क्योंकि मेरा जो बॉस था, और मैं आपको बताऊँ मेरे जो बाकी जो लोग थे वो उनको लगता था ये कहाँ ये इडियट आ गया है, लेकिन मेरा जो बॉस था आई मस्ट से डी के बोस, आई मस्ट गिव क्रेडिट टू हिम बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अ स्मॉल टाउन गाय फ्रॉम बंगाल। अच्छा, तो ही, मैंने एक बार कभी बोला बाकी लोग लड़कियाँ यू डोंट नो ऐसा होता है, पर उसने मुझे बुला के बोला कि अच्छा तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा बैकग्राउंड, क्या है, व्हाट डू यू नो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ही टोल्ड मी कि विवेक एक काम करो, यू हेल्प मी आउट विद दिस यार, ये हाउस वाइफ के उसमें, बिकॉज यू आर फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, राइट। तो वो भी यूज एंड थ्रो था कि अच्छा अभी हम तुम्हारी नॉलेज है, लेकिन जैसे ही द मिनट वी कम टू नेस्कैफे वी डोंट नीड यू। हाँ, पर तो जब उसने देखा कि आई एक्चुअली नो, तो उसने बोला विवेक तुम इफ यू शार्पन योर सॉ यू माइट ग्रो अ लॉट इन योर लाइफ। तो मैंने कहा मैं कैसे करूँ? तो ही सेट हार्वर्ड में जाके एक प्रोफेशनल कोर्स कर लो। Okay. और उसने कहा तुम कुछ भी नहीं सीखोगे, एक सील लगवा लो अपने नाम के आगे। So that's why you did. Do you advise young people जो छोटे शहरों से आए हैं जिनकी multinational में कभी job लग गई तो बॉम्बे दिल्ली में, अगर वो meeting में बैठे हैं और उनकी basically फट रही है अंदर से क्योंकि ऐसी धाड़ धाड़ इंग्लिश चल रही है, you know, we must grow interest rates ऐसा जो भी, और उनको कुछ बोलने का आया जो उनको लगता है लेकिन उनको डर है कि वो इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे कि दो गलतियाँ करेंगे ग्रामर की लोग हंसेंगे या ऐसे कुछ, तो उनको कैसे करना चाहिए? मैं अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अब यू हैव टू बी प्राउड ऑफ योर मदर टंग। ओके, और ये फीलिंग माँ बाप की जिम्मेदारी है देना, पेरेंट्स हैव टू गिव दिस फीलिंग। इफ पेरेंट्स आर गोइंग टू चेज इंग्लिश एंड कॉन्वेंट स्कूल तो बच्चों में कभी नहीं होगा, और आपको बिल्कुल अपनी बात बोलनी ही चाहिए चाहे कुछ, और जितनी ज़्यादा अच्छी हिंदी में बोलोगे आज नहीं तो कल पीपल विल रिस्पेक्ट यू अलॉट फॉर दैट, राइट। तो अच्छा इंग्लिश बोलने वाले कोई बहुत अच्छी इंग्लिश थोड़ी बोलते हैं, वो तो हमें नहीं आती इंग्लिश, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि क्या बात बोल रहा है, पर अब मुझे समझ में आता है इसको ये तो बहुत बेकार इंग्लिश बोल रहा है यार। एनीवे, सो नाउ यू हार्वर्ड, सो भोपाल का लड़का हार्वर्ड जाने के सपने ले रहा है, बातें कर रहा है, आई मीन यू, वो सपना नहीं था मेरा, वो मेरे बॉस ने मुझे सपना दिया कि जाओ करो डू दिस मास्टर्स और व्हाटएवर। या इट वॉज शॉर्ट टर्म कोर्स 9 महीने का था, वो ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ओके, तो वो उसके लिए एक दो साल का वो एक्सपीरियंस चाहिए होता था। सो यू फिनिश 2 ईयर्स एंड देन यू वेंट टू बॉस्टन। या
ओके, हाउ वाज दैट? गोरों की नगरी मेमा शेमा, वहाँ मुझे प्रॉब्लम हो गया, वहाँ जाके मैं नर्वस हो गया. रियली? हाउ ओल्ड वर यू? 21 और समथिंग, 22, वेरी यंग, 22 23. तो वहाँ मैं नर्वस इसलिए हो गया कि वहाँ पे तो असली अंग्रेजी बोलते थे और वो तो एक्सेंट भी नहीं समझ में आता था. बट देन आई टुक इट एज अ चैलेंज. फिर मैंने कहा कि नहीं, अगर इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो कितनी भी मेहनत करनी पड़े, टूटी फूटी कैसी बोलो, बोलनी पड़ेगी. और अमेरिका में जाके एक अच्छी बात हो गई कि आप अगर गलत इंग्लिश बोलते तो कोई हंसता नहीं था. इंडिया जैसा आपको इन्फीरियर नहीं फील कराते. इनफैक्ट वो थोड़े से और वो हो जाते हैं, ओके यस दे ट्राई टू अंडरस्टैंड यू. अच्छा, और इटालियन भी थे वहाँ पे, चाइनीज भी थे, और भी लोग थे ना मुल्क के. तो मुझे लगा यार यहाँ तो खराब अंग्रेजी बोलने से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ तो खुल के बोल सकते हैं. तो जो मेरे को एक हेजिटेशन था इंडिया में बोलने का, वो मेरा टूट गया एकदम से. और फिर मैं बोलने लगा और बोलते 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 फिर सीख गया. और मैंने पढ़ा भी बहुत. फिर देन आई स्टार्टेड रीडिंग. मैंने कहा चलो अंग्रेजी राइटर्स बुक्स इन इंग्लिश. हाँ, अब बोल लेता हूँ, अब मुझे दिक्कत नहीं होती है. कभी अटक जाता हूँ तो अपनी बच्चों से पूछ लेता हूँ. क्यों हंसते हैं इंडिया में, वहाँ क्यों नहीं हंसते और यहाँ क्यों हंसते हैं? क्योंकि अब वो हमारे DNA में आ गया है, हमारे लर्नड बिहेवियर में आ गया है. जो सबकॉन्शियस बिहेवियर होता है ना, उस जैसे रैट्स होते हैं, अगर उनको आप एक तरह से ट्रेन करते जाओ, खाने को ले घंटी बजाओ और खाना दो उनको, तो फिर उनके बच्चे भी वैसे ही बिहेव करने लगते हैं. इट्स अ प्रूवन एक्सपेरिमेंट. तो हमारे साथ वो हो गया है. हम लोग ने इतना सलाम बजाया है, जी सर जी सर जी सर, इंग्लिश को लेके. और दूसरा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था कि इंग्लिश आफ्टर 15 years विल बी अबैंडन्ड एज अ लैंग्वेज, एंड पर वो हम कभी पॉलिटिक्स के कारण कर नहीं पाए. तो जब कर नहीं पाए तो इंग्लिश को एक सडन इम्पॉर्टेंस मिल गई, जितनी वो इम्पॉर्टेंट है भी नहीं इंडियन मिलियों में. 80% 90% इंडिया तो अंग्रेजी बोलता भी नहीं है. तो मुझे ऐसा लगा कि इंडिया पार्टीशन के बाद फिर से डिवाइड हो गया. एक हो गया भारत, एक हो गया इंडिया. और पूरा भारत जो है उसकी ड्यूटी ये हो गई कि तुम्हें इंडिया को इम्प्रेस करना है. और वो इंडिया जो था, वो लोग इन लोगों को एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जैसा थे कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, नॉट अलाउड. एक वो हो गया. मैं आपको एक इमेज, एज आई एम टॉकिंग टू, सडनली मुझे एक इमेज आ गई दिमाग में. जब मैं ONM ज्वाइन किया मैंने, ओगिलवी एंड मैदर, तो उस वक्त रोडा मेहता, मनी अय्यर, ये बड़े हाई सोसाइटी लोग, सिगार विगार पीने वाले, सूट बूट वाले लोग. तो एक दिन मुझसे उनने बोला कि जाके वो ले आओ कुछ, वो ब्लैक वो कौन सा मैजिक वो होती है उनकी बुक्स जिसमें डेविड ओगिलवी का पूरा वो टेस्टमेंट है. तो वो वहाँ है, जाके वहाँ पे लाइब्रेरी रूम कहाँ से ले आओ. तो मैं वहाँ गया तो बहुत सारी बुक्स और फाइल्स, उस ज़माने में फाइल्स होती हैं, रखी थी. और वहाँ खिड़की खुली हुई थी. तो मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे लगा लाइब्रेरियन है. तो उसने बोला नो नो नो, मैं नहीं जानता हूँ. तो मैंने कहा व्हाट डू यू डू हियर? कहता मैं तो कॉपी राइटर हूँ. तो मैंने कहा अच्छा, आप कॉपी राइटर हैं? कहता हाँ, मैं हिंदी का कॉपी राइटर हूँ. और वो ऐसे एक डेस्क उसको दे दी थी, आउटकास्ट. एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, हम लोग कहते हैं ना अनटचेबल जो होते थे, ही वॉज लिटरली एन अनटचेबल. एंड आई बिकेम अ ग्रेट फ्रेंड्स विद हिम. मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो, क्योंकि ही कुड रिलेट विद मी. वो यूपी का था, मेरे को तो. और तभी मुझे ये समझ में आ गया था कि ये गलत है. जो ये सब लोग ऑपरेशन, ऑपरेसर, ऑप्रेस्ड की बात करते हैं, जो बात करते हैं वही लोग वो काम करते हैं. तो ये लैंग्वेज का ये प्रॉब्लम था. नो नो, मैंने जब अपनी बुक्स लिखी इंग्लिश में, मैं चाहता था कि मैक्सिमम इंडियंस पढ़ें. मेरे को कोई इंग्लिश से बुराई नहीं है. इंग्लिश इज अ लैंग्वेज. मुझे भी कोई शिकायत नहीं है. हाँ, इंग्लिश भी भाषा है, वो भी भाषा है. भाषाएं सारी, जो आप बोलते हो मैटर करता है. व्हाट यू से मैटर्स, नॉट द लैंग्वेज. एंड बट आई फेल्ट लाइक देयर वाज दिस थिंग कि एक जो कुछ ही लोग बुक्स पढ़ते थे इंग्लिश की, और वो चाहते थे ये जो आप इंडिया के, ये जो क्लब बना हुआ था. और जब मेरी बुक्स आई और वो इतनी सिंपल थी और सारे पढ़ने लगे, तो उन्होंने कहा ये तो हमारी एक पहचान ही चली गई कि हम सब सारे पढ़ रहे हैं. हाँ. तो एक ही तरीका है कि इस राइटर को बदनाम करो, इस राइटर को बोलो चेतन भगत की बुक्स पढ़ते हो, फिर असली बुक्स ही नहीं है वो. बिकॉज दैट इलिटिज्म, दैट कंट्री क्लब मेंटेलिटी, दैट यू नो, इट्स रियली शॉकिंग. एंड इट्स देयर इन सम इंडस्ट्रीज मोर. एंड आई एम शॉक्ड कि नॉट ओनली यू आर सच अ पॉजिटिव पर्सन कि यू सर्वाइव्ड एडवर्टाइजिंग, यू डिड वेल इन इट, एंड देन यू वेंट टू हार्वर्ड ऑल्सो. या एंड देन यू स्पेंड 9 months. And yeah. he came back to the company? हाँ, तो फिर मेरे को वहीं जॉब मैंने शुरू किया. कुछ दिन मैं गया एडवर्टाइजिंग एजेंसी में न्यूयॉर्क में. बट आई वॉज फीलिंग वेरी लोनली. लोनली मतलब मुझे ये समझ में आ गया था कि मेरा जो नेचर है, मैं ऐसा अकेला नहीं रह सकता हूँ.
कि हाँ 9 to 5 जॉब किया, बहुत स्माइल की, बहुत मुस्कराए, बड़ा अच्छा लगा और उसके बाद अपने अपने काम पे चले गए. तो आई रियलाइज कि नहीं, ये मेरी लाइफ का पर्पस नहीं हो सकता है कि यहाँ अमेरिका में आके और वो एक रो हाउस लो, फिर एक बड़ा घर लो और फिर $1 million होम लो, ये मेरी लाइफ का ड्रीम हो ही नहीं सकता है. तो और कई बार देखिए डिवाइन इंटरवेंशन भी होता है लाइफ में. अगर आपको ऐसा लगता है सब कुछ मैंने हासिल किया है, ये झूठ है. कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्सटर्नल फोर्सेस आपको हेल्प करते हैं, तब आपकी चॉइस है उस फोर्स के साथ आप अलाइन करते हैं या नहीं करते हैं. हाँ. तो एक मिसेस तारा सिन्हा हुआ करती थी, उनने इंडिया में, शी ब्रोक अवे एंड इंडिया में उनने मकैन चालू किया था. तो उन्होंने बोला कि ज्वाइन माई कंपनी एंड दे पेड मी गुड मनी. तो मैं उस चक्कर में दिल्ली वापस आ गया, आई ज्वाइन देम एंड दैट्स हाउ माई रियल लाइफ स्टार्टेड. And then you joined McCann in... हाँ, वो Coca-Cola और Gillette दो products they were launching, so I became part of that team. Okay, तो जो नई नई वापस आई थी जो Coke इंडिया में बीच में निकाल दिया था 70. हाँ, जब दोबारा आई थी, जब आई थी. हाँ, उसका पूरा जो 2-3 साल का रिसर्च है ना, मैंने हेड किया पूरा का पूरा. अच्छा. या या टेल मी समथिंग इंटरेस्टिंग यू फाउंड इन Coca-Cola और या उस कैंपेन में लाइक उसका प्रॉब्लम ये था कि कोक जब आया तो चूँकि वो अमेरिकन अकाउंट था, वो इंडियनाइज नहीं हुआ था तब तक, वो कुछ पार्टनरशिप में करते थे ना, यहाँ कुछ थोड़े से शेयर ले ले और, पर उन मैनेजमेंट पूरा अमेरिकन था और उसमें जो काम करने वाले थे वो भी सारे वो अंग्रेजी बोलने वाले. मतलब मुझे अच्छे से याद है, एक हमारा क्रिएटिव डायरेक्टर था तो उसका लॉन्ड्री का 3 दिन का इतना बिल आया था कि सब लोग गिर गए थे. वो यानी अगर टच भी कर ले किसी कपड़े को तो उसको ड्राई क्लीन में देता था. एंड सिगार विगार पीने वाले, हैट पहनने वाले लोग थे. तो उन सब का ये था, वी आर कोक. सब इतनी एरोगेंस थी उन लोगों में, वी आर कोक. वही जो आपके नॉवेल्स के साथ हुआ ना, वही एग्जैक्टली. हाँ. हम तो कोक हैं, हम तो इंग्लिश में लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं. और जब वो रिसर्च हम लोग कर रहे थे तो यू वोंट बिलीव इट कि इंडिया में अनऑर्गेनाइज मार्केट इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा है कि इंडिया में ये मैटर ही नहीं करता था कि तुम कोक हो कि तुम क्या हो. द ओनली थिंग विच मैटर टू इंडियंस वॉज कि ठंडा होना चाहिए. ठंडा होना चाहिए. हाँ. गर्मी इतनी पड़ती है तो बस बर्फ हो किसी भी चीज में और कुछ भी टेस्ट हो, चाहे गन्ने का रस हो, बंटे वाली बोतल हो, शिकंजी हो, कोई भी चीज हो. तो हमने गांव में क्या, गांव में एक राब नाम की चीज होती है, कुछ नहीं होती, गुड़ को पानी में मिक्स करके हिला के पी जाते हैं लोग, ठंडा होना चाहिए. तो शुरू में उनने वो लॉन्च की थी कैंपेन, मुझे याद है बड़ी एक सेक्सी सी कैंपेन की थी, फ्लॉप हो गई थी पूरी तरह से, वो कैंपेन चली नहीं थी. वो शायद विधु विनोद चोपड़ा ने शूट की थी, किसी ने की थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है, सो डोंट होल्ड मी फॉर इट, आई एम सॉरी. तो आजकल ना कुछ भी गलत निकल जाता था, आपने ये बोला था. सर, मुझे याद नहीं किसने की, पर किसी बड़े टॉप नॉच बम्बई के बाबू, कमेंट में कोई ना कोई डाल, बम्बई के बाबू ने की थी, वो चला नहीं था, मुझे अच्छे से याद है. फिर धीरे धीरे हिंदी के जब राइटर्स आए, पीयूष पांडे, प्रसून जोशी, जो देसी लोग जब घुसे उसके अंदर, तो उनको ये बात समझ में आ गई, अरे यार कहाँ इन सब में पड़े हो, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, कोई किसी को मतलब नहीं है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, ठंडा बोलो. तब कोका कोला के साथ ठंडा जुड़ा एंड देन कोका कोला वर्क डे. ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला, बात खत्म हो गई ना. हाँ. तो लोगों को समझ में आ गया यार ठंडा है. हाँ. एंड देन दे स्टार्टेड डूइंग लिटिल बेटर. दैट्स नाइस. यू आर हैप्पी इन एडवर्टाइजिंग? यू आर हैप्पी कि मैं बन गया अभी कुछ, मैं कोक के कैंपेन पे एडवर्टाइजिंग में इससे बड़ा नहीं जा सकते, आप कोक जैसी ब्रांड्स आपके पास हैं. जिलेट, अरे जिलेट तो बड़ी हाई हो, वो सब वो बात और है कि हम आजकल दोनों यूज नहीं कर रहे हैं, पर बट यू आर हैप्पी दिस इज वाज बिकॉज यू डिड स्टार्ट मेकिंग फिल्म. आई वॉज डूइंग वेरी वेल, देन आई स्टार्टेड माई ओन एजेंसी एंड वो दैट वॉज इन top 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग एजेंसीज और बहुत अच्छा, हम बहुत कर रहे थे. मेरा प्रॉब्लम शुरू हुआ जब हम लोग एट फिल्म्स की तरफ घुसे इन माई ओन एजेंसी. तो पहले तो क्लाइंट्स होते हैं, प्रिंट वगैरह बहुत करते थे. फिर एड फिल्म्स में जब मैं घुसा तो यहाँ पे भी फिर वही स्ट्रगल चालू हो गई, क्योंकि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में हिंदी वाले घुस गए थे, लेकिन जो एड फिल्म्स वाले थे वो अभी भी वो अपने प्रहलाद कक्कड़ का जमाना था. पहले मुझे ये बताओ, आप अगेन आप ना इतनी बड़ी अचीवमेंट जो मैं नोट करता हूँ, आपने खुद नहीं नोट किया, आपने कहा बस मैं एक नौकरी में था पर मैंने फिर छोड़ के अपनी कंपनी खोली कर दी. सर ये छोटी बात नहीं है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड के लोग हैं वो ये कभी नहीं करते. नौकरी लगी हुई है बेटा, बैठा रहे, पकड़ के बैठा रहे कुर्सी, जब तक धक्के मार के रिटायर होके तेरे को सोने की घड़ी नहीं पकड़ाते. हाँ. तू कहीं नहीं जाएगा. या, मुझे या. पता है क्योंकि मैंने छोड़ी है एक बहुत अच्छी नौकरी बैंक की और मुझे पता है मेरे मन में कितनी टेंशन होती थी. आपके मन में कैसे आया कि यार इतनी बढ़िया कंपनी, टॉप कंपनी, सी McCann इट वॉज इन, आई रिमेंबर इन एडवर्टाइजिंग इट इज़ द नंबर वन. लाइक अगर वहाँ जॉब लगे, भोपाल का लड़का, एक मतलब यूपी के गांव में पैदा हुआ लड़का, McCann में कोक का कैंपेन संभाल रहे हैं, काम कर रहे हैं उस पर,
तो सब कुछ तो है, तो कैसे मन में ये चुल्ली आए एक तरह से कि यार अपनी कंपनी शुरू करनी है? व्हाई आई एम आस्किंग इज लॉट ऑफ पीपल वॉचिंग दिस वॉन्ट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस. आई वॉन्ट देम टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस. हाउ डिड यू लीव अ गुड जॉब टू स्टार्ट योर ओन एजेंसी? देन वील गेट टू द प्रॉब्लम ऑफ एड फिल्म मेकिंग सर. पर ये जो कूदने वाली बात है ना, छलांगे मारने, आपने जिंदगी में बहुत छलांगे मारी हैं, आगे तो और ज़्यादा होती जाएगी, तभी तो ये छलांगे कैसे मारते हैं? तो यही वही मैं कह रहा हूँ कि जब आपके पास टेम्पलेट नहीं होती है एंड यू आर डिससेटिस्फाइड कि मैं वेन यू आर एक्सप्लोरिंग, तो वो एक्सप्लोरेशन में ही आप चले जाते हो. ये अलग तरह का एक जिंदगी जीने का भी एक तरीका है. मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि हर कोई करे इस बात को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फियर ऑफ लूजिंग नहीं हो सकता. आई मीन यू कैन नॉट हैव बोथ. और इसमें ये एक जो ट्रेडिशनल स्टाइल रोड मैप है वो भी नहीं हो सकता है. तो पर मुझे हुआ ये था कि टाइम्स ऑफ इंडिया कुछ 100th या 150th ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, तो पर वो अकाउंट जब आया हमारी एजेंसी में तो बड़ा छोटा अकाउंट था, तो कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था. तो मेरे से बोला कि यार इसको हैंडल कर लो. तो मैं जब देख रहा था, मैं कहूँ ये एजेंसी में कोई केयर ही नहीं कर रहा है इसकी ना. ओके, और बड़ा है तो सब भागे जा रहे हैं उसके पीछे. अच्छा नेस्ले आया है और 6 दिन पहले से ही सब नर्वस हो जाते थे कैंपेन पिच करनी है, और इसको हाँ होगा 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 ये था. दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यहाँ पे गैप है. ये जो छोटे क्लाइंट्स हैं इनकी कोई केयर नहीं करता बड़ी एजेंसी में. तो और तब ये छोटी एजेंसीज होती नहीं थी ज़्यादा. एक्चुअली द मार्केट वॉज डोमिनेटेड बाई बिग इंटरनेशनल मल्टीनेशनल एजेंसीज. तो मैंने कहा कि अगर ये छोटे जो क्लाइंट्स हैं, दिल्ली में बहुत थे उस वक्त, तो मैंने कहा अगर इनके लिए अगर एक छोटी एजेंसी हो जो सिर्फ छोटे क्लाइंट्स को एड्रेस करे. पर सर आपकी तो अच्छी सैलरी थी ना, आप तो लाखों कमा रहे थे तब तक आई एम श्योर. या ऐश की लाइफ चल रही है, कार है, यस मिस्टर अग्निहोत्री वेलकम, ये कार्ड है, मेरा कभी वो पार्टियां हो रही हैं, कौन से आपके अवार्ड होते हैं एड एजेंसी के जिसमें सब जाते हैं, तब एड क्लब होता था. हाँ, तो चल रही है लाइफ सर, आप भी सिगार पी सकते थे. हाँ, क्या चूल है तोड़ के कुछ अपना दुकान पर वहाँ पे थोड़ा लेफ्टिस्ट ट्रेनिंग काम आती थी गरीबी की. पैसे का आपके मेरे को आई एम रियलाइजिंग मुझे पैसे का कभी नहीं रहा. पैसे का कुछ है ही नहीं आपको? क्या है पैसे का? डिफाइन मनी फॉर यू. व्हाट इज मनी फॉर यू? क्योंकि आजकल मैंने भी आपसे सबसे पहला सवाल यही कहा, 350 करोड़ बिजनेस कर लिया कश्मीर फाइल्स, पर यू नेवर फाइंड मी राइटिंग अबाउट फिगर्स ऑन माय. नहीं नहीं, वो तो मैंने पूछा बिकॉज आई एम अ नंबर्स गाय. मैं बैंक में था तो मेरा तो हक है पूछना. पर व्हाट इज मनी फॉर यू? मनी विद मनी आई जैसे मैं इफ आई हैव मनी यू नो देन आई वुड रादर गेट लॉट्स ऑफ राइटर्स एंड से ओके ये पब्लिशिंग हाउस लिखो. मुझे ऐसा लगता है कि जिनके पास पैसा है वो रिस्ट्रिक्ट बहुत कर देते हैं, लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं. तो पैसे वाले लोग जो हैं लोगों को एम्पावर नहीं करते. इंडिया में एक प्रॉब्लम है और ये मैंने अमेरिका में सीखा कि वो लोग करते हैं एम्पावर. दे लुक फॉर टैलेंट एंड दे यूज मनी टू एम्पावर देम एंड दे ऑल्सो अर्न मोर. इन्वेस्ट करके इन्वेस्ट करते हैं. हमारे यहाँ क्या है कि जैसे ही पैसा आता है तो हम कहते हैं इस पैसे से दीवार बना लो बड़ी सी. इसीलिए आप देखिए इंडिया में जो बम्बई में तो नहीं पता पर जो बाकी घर होते हैं रईसी की सबसे पहली पहचान क्या है? बहुत बड़ी दीवार. यू नो वी आइसोलेट आवर सेल्व विद मनी. और मुझे लगता है मनी का पर्पस जो है वो ओपन अप करना होना चाहिए. पर आपके लिए पैसे का कभी नहीं हुआ कि अय्याशी हो, गाड़ियां हो, बंगले, कार? मैं अभी भी आप देखिए मैं आई नो बट यू नेवर इतना तो मैं अभी भी अफोर्ड कर सकता था फिल्म के बगैर. मैं कभी करता ही नहीं. यू आर नॉट अटैच्ड टू इट. लग्जरीज डोंट यू डोंट दे डोंट यू डोंट एंजॉय. मेरे पास 2-3 पैंट हैं, 10-12 टी-शर्ट ज्यादा हैं, 10-12 हैं. बट दैट्स ऑल. मेरे को किसी चीज़ आप मेरे आधे से अधिक वीडियो में मैं यही जैकेट पहन ले. जब कहते हैं स्मार्ट जैकेट पहनना मैं ये पहन लेता हूँ. बट एडवर्टाइजिंग इज फुल ऑफ लाइक यू सेड कंज्यूमरिज्म एंड लाइक मतलब यू नो लिविंग द लाइफ. हाँ सारी एडवर्टाइजिंग. आप एडवर्टाइजिंग में थे जहाँ पे लोगों को सपने बेचे जाते हैं खरीदो और तो तब करता सब लोग ऐसे खुश हो जाते हैं. मतलब मैं हमेशा एड्स का कहता हूँ लोग इतने एड में लोग इतने खुश कैसे हैं कि मैंने एक कार खरीद ली मेरे मुंह पे इतनी बड़ी स्माइल, मैंने टूथब्रश कर लिया मेरे मुंह में इतनी बड़ी स्माइल. लोग इतने खुश होते हैं प्रोडक्ट्स खरीद के एडवर्टाइजिंग की दुनिया में. आप तो उस दुनिया से आए हो. नहीं तो इसीलिए क्योंकि मैंने देखा एक जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा समझो मॉडलिंग मॉडल्स के साथ डील करते हैं और बहुत ज़्यादा जब आप फैशन शोज कर लेते हैं तो एक कहीं पर आपको समझ में आ जाता है कि इट्स गॉट नो वैल्यू. सब फेक है. हाँ सब फेक है एकदम. तो फिर आप डिटैच हो जाते हैं उससे. और मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल माइंडेड हमेशा से रहा भी हूँ कहीं एक बैकग्राउंड में. अब तो ज़्यादा हो गया पर स्पिरिचुअलिटी मतलब बैठ के कहीं मेडिटेट करने वाला नहीं. बट आई हैव अ वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड. और मुझे लगा कि जो व्हेन यू विल चेज मनी राइट यू विल गेट वेरी रिस्ट्रिक्टेड एंड व्हेन यू क्रिएट वेल्थ देन यू फाइंड फ्रीडम.
What's the difference? There is a difference. See, wealth is something you are leaving a legacy behind. Okay, wealth is you are creating resources, you are organizing resources and using them to their optimum use. और money का क्या है, आप लाला बन जाते हो, अब आप 24 घंटे वो ताला देख रहे हो कि कोई चोरी ना कर ले, आप पैसे के चौकीदार बन जाते हो. और ये मैंने कई जिंदगियां देखी करीब से, तो मुझे समझ में आई ये बात और मैंने फिर उसको अपनी जिंदगी में यूज़ किया और ये बहुत कॉन्शियसली यूज़ किया और अभी भी करता हूँ. आपको मैं बाद में बताऊंगा हमारे क्या डिस्कशंस होते हैं मेरे और मेरे वाइफ के, वो इसी पे सेंटर्ड होते हैं हमेशा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ही अपनी ज़िंदगी के चौकीदार बन जाएं. आपने अच्छा जैसे लोग, मैं बहुत सारे एक्टर्स हैं मैं जानता हूं, तो उनके एक दो सीरियल या फिल्म चल जाती है तो सबसे पहले वो करते हैं एक बहुत महंगी कार खरीदते हैं, फिर उनको कहीं आप बुलाइए पार्टी में, व्हिच बाय द वे इज अ वेरी बैड, लाइक मेरे फाइनेंस के भी वीडियोस होते हैं, व्हिच इज अ वेरी बैड फाइनेंशियल डिसीजन है ना. पहले तो मैं या तो इन्वेस्ट कर देना चाहिए या कम से कम ओके बाय प्रॉपर्टी, बट प्रॉपर्टी से भी ज्यादा बेटर टू इन्वेस्ट, बट दे विल बाय द लेटेस्ट कार, महंगी से महंगी, और ईएमआई पे भी ले लेंगे, 2 करोड़ की कार, 2 करोड़ की ले लेंगे, मेबैक ले लेंगे. तो हां, एंड इफ यू सेल इट आफ्टर 3 इयर्स इट इज नॉट इवन वर्थ 50. फिर क्या होता है, और आप कोई मतलब म्यूचुअल फंड में डालोगे तो शायद 2 का 2.5 तो हो जाएगा. फिर आप उनको खाने के लिए बुलाइए, डिनर पे बुलाइए घर पे अपने. हाँ. तो आने के पहले सुबह से 4 बार फोन करेंगे, पार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पार्किंग है कि नहीं, पार्किंग है कि नहीं, पार्किंग है कि नहीं. वो पार्किंग को लेकर परेशान है क्योंकि उनको डर है अब ये गाड़ी बाहर खड़ी कर दी और किसी ने स्क्रैच कर दी. तो जो गाड़ी आपको फ्रीडम देनी चाहिए वो अब लाइबिलिटी बन चुकी है आपके सर पे. फिर दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि बॉम्बे में तो बिल्डिंग्स होती हैं, आपने गाड़ी नीचे खड़ी कर दी, नोबडी केयर्स आप किस गाड़ी से आए किससे नहीं आए. हाँ. लोग तो अपने अपार्टमेंट से टाटा बाय बाय कर देते हैं. तो जिस पर्पस से आपने खड़ी करी वो भी आपको नहीं. हाँ. हो रहा है, नीचे गार्ड देखता बस. हाँ. फिर तीसरा गार्ड को इंप्रेस कर दिया, उसको भी मतलब नहीं, उस बिल्डिंग में और 10 लोग रहते हैं. फिर अच्छा, फिल्मी पार्टी में जब आप जाते हैं तो फिल्मी पार्टी में जब आप जाते हैं तो आपसे भी महंगी गाड़ियों वाले आ जाते हैं वहां पे, तो आप फिर इन्फीरियर हो जाते हैं. तो मुझे पैसे का रोल ये समझ में आया, तो मैंने कहा अगर इस पैसे को आप अगर लेगेसी में यूज़ करें तो फिर ऑटो से आप जब उतरेंगे तो पेपर में फिर लोग ये लिखेंगे देखो कितने सिंपल आदमी है. 21 रुपए में आप कहीं भी चले जाओ, ना पार्किंग का झंझट है, कुछ नहीं है, हवा भी अच्छी, हवा भी फर्स्ट क्लास है. एंड यू नो एक इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी उसका कम है एक्चुअली, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें फॉरेन के लोग करते रहते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट एंड ये वो. आप एक ऑटो का इंजन कैपेसिटी देखिए, आप ऑटो का फ्यूल कंजम्पशन देखिए वर्सेज अ बिग कार. आप एसयूवी में जाके क्लाइमेट चेंज की बातें कर रहे हो. यू नो मैंने गुड़गांव में बच्चे देखे, अमीरों के बच्चे अर्थ डे के पोस्टर बना रहे हैं एंड सेव द अर्थ और 1 घंटा लाइट ऑफ करो, और लेकिन एसयूवी में उतर रहे हैं. एंड इफ़ यू जस्ट टेक एन ऑटो, फर्स्टली इट्स जस्ट 1 ऑटो, सो यू नॉट मैन्युफैक्चरिंग 20 कार्स. एंड सेकेंडली इतना कम फ्यूल यूज़ करता है, बट आई नो इट्स कंसिडर्ड और सिंपल है ऑटो से आया. मेरे को लगता है ऑटो इज सच अ ग्रेट कन्वीनियंस. हाँ, उसमें मुझे सिंपल ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट बन गया है. बन तो, गया है, पर हाँ. किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, यू नो यू आर हेल्पिंग एनी वे. सो ओके, सो यू स्टार्टेड दिस एड एजेंसी, अभी तक भी फिल्म मेकिंग तो आई नहीं गई. हाँ, वो एक्सीडेंट से आ गई. तो हम तो कुछ क्लाइंट्स थे जिनको एड फिल्म बनानी थी, तो अब वो मैं दिल्ली में था, बॉम्बे में काम चालू हुआ. मैं नाम नहीं लूँगा, उनमें से एक आध तो अब फिल्म बनाते हैं, फीचर फिल्म भी बनाने लगे. पर मैंने देखा कि एक बिना बात की एरोगेंस, मतलब मुझे एरोगेंस समझ में आपको आती है. एरोगेंस नहीं अच्छी लगती? नहीं अच्छी लगती. यू जस्ट हेट इट, पीपल हु आर एंटाइटल्ड. नहीं, मुझे एरोगेंस अच्छी लगती है. मैं कई अपने उनको भी बोलता हूँ, कभी कभी किसी किसी जगह पर एरोगेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. ओके, दुनिया में ऐसी कोई ट्रेट नहीं है जो उसकी यूटिलिटी नहीं है. पर वो एरोगेंस तुम्हारे कैलिबर से जुड़ी होनी चाहिए, डिजर्व्ड होनी चाहिए, डिजर्व होनी चाहिए. अब तुम्हें है नहीं और तुम अपने को तुर्रम खान मान रहे हो कि मैं ही दुनिया चलाता हूँ. कैसे मतलब? जैसे कि आप गए उनसे मिलने एंड ही वाज अ फिल्म मेकर एंड ही जस्ट सेड तुम बात नहीं करेंगे, तू कौन है. अगर आपने एक सजेशन दे दिया, भाई मेरा पैसा, मेरा क्लाइंट, मेरा कॉपी, मैंने कॉपी लिखी है, मैंने सब कुछ सोचा है, ये मेरी स्क्रिप्ट है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस उसी चीज को मैंने एक स्पेसिफिकेशंस दे दी हैं प्रोडक्ट के, आप उन स्पेसिफिकेशंस को मीट कर रहे हो, लेकिन आपका गुरूर ये है कि आप जैसे बहुत क्रिएटिव आदमी. हाँ. जितने एड फिल्म मेकर्स हैं ना, सब फ्रॉड है ये. आपका तो कोई दिमाग. हाँ. नहीं है ना, आपको नहीं. तो एक स्क्रिप्ट टू द टी फॉलो करनी. हाँ. पड़ रही है कि ये चेतन भगत मॉडल है, ये नीला सूट पहनेगा, तो वो यहाँ से बिस्किट उठाएगा और ऐसे ही खाएगा, इतना सा बिस्किट 2 इंच खाना है. आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ से क्रिएटिव हो गए, है ना? अब आप कह रहे हैं नो ऐसा मैम. तो वो मैं कर रहा था, करते करते तो एक पॉइंट पे ये हो गया कि
He said, if you'll tell me what to do, I know my job, then I'll quit it. And he walked away. Famous cinema. क्या हुआ था? आपने क्या कहा था? अरे यार, यूपी में कपड़े धोने वाला साबुन बेचना है. अब यूपी में औरतें जो हैं, जिसमें झाग ज्यादा निकलता है उसी को असली साबुन मानती हैं. हाँ, तो वही तो होता है. मैं भी वही बिलीव करता. हाँ. सर, मेरी मेंटालिटी बिल्कुल. पर इनका ये था, इनका ये था कि नहीं, दैट इज नॉट सोफिस्टिकेटेड. इनका ये था कि नहीं, इतना झाग नहीं दिखाना चाहिए. मैंने कभी थोड़ा एग्जैजरेट करना पड़ा. आई डोंट थिंक कपड़े धोने की एड में सोफिस्टिकेशन लोग ढूंढ रहे हैं. हाँ, तो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम वाज. नाउ दिस गाय हैड, आपने कहा झाग ज्यादा, उसने कहा झाग कम. हाँ, मुझे पता था मेरा क्लाइंट जो है वो रिजेक्ट कर देगा अगर झाग कम हुआ तो, क्योंकि उसकी हाउसवाइफ खरीदेंगी नहीं. तो लेकिन ये कभी बंबई वो बीच कैंडी में रहता था, वो उसने आज तक कपड़े धोए नहीं शायद. कपड़े धोना वो ड्राई क्लीन कराने वालों में से था, उसको पता ही नहीं था कि वो तो एक स्पेसिफिकेशन पे एड बना रहा था. तो उस बात में एक थोड़ा सा हो गया, तो उसने ही वॉकड ऑफ. और 75% एडवांस हम दे चुके थे. और तो इतना वो तो बड़ा आदमी, आपको डांट पड़ी होगी, आपने क्या कर दिया. नहीं, अभी तो डांट नहीं पड़ रही थी, सेट लगा हुआ लाइटें ऐसे लाइटें लगी हैं. ही सेट ओके, देन आई एम क्विटिंग दिस फिल्म. और वो चला गया. उस जमाने में कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं होते थे, उसकी यारी दोस्ती में होता था. और मैं फंस गया. मैंने कहा कि अरे भाई, अब कैसे करेंगे, वो पैसे तो 75% क्लाइंट ने दिए हैं, मेरी अपनी एजेंसी थी, करें तो करें क्या. तो चैंग या कोई ऐसा था डीओपी, उसका असिस्टेंट था एक, तो मुझे अब कुछ नहीं पता. तो उसने मुझसे बोला कि सर देखिए, इसका अब शुरू से ही करना पड़ेगा, आपको फिल्म तो मिलेगी नहीं. तो दो तीन यंग लड़के जो असिस्टेंट्स थे, तो उन्होंने कहा अपन ख़त्म ही कर देते हैं इसको. तो देन आई टुक इट एज अ चैलेंज. मैंने नहीं यार, ऐसे तो नहीं होगा, मैं एजेंसी चलाता हूँ, मैं ऐसे तो डिक्टेटरशिप में तो नहीं करूँगा काम. तो अब करें के तो करें. तो नीचे शेखर कपूर की एक फिल्म का सेट लगा था, टाइम मशीन उसका नाम था, आमिर खान उसका हीरो था. और हम मैं जा के देखता भी था कि क्या चल रहा है. दिल्ली का आया लड़का शेखर कपूर, उस ज़माने में बहुत बड़ा डायरेक्टर था. तो मैंने जाके पूरा एक दिन उसको ऑब्जर्व किया कि पहले कैसे कमांड कैसे देता है, एक्शन कब बोलता है, कैमरा क्या. तो आई अंडरस्टूड द बेसिक कल्चर, एंड दैट्स हाउ आई फिनिश दैट फिल्म इन वन डे. और तब मुझे समझ में आया कि बहुत इतनी बड़ी बात है नहीं जितना ये लोग बता रहे हैं. और मैंने खुंदस में, सच्ची कह रहा हूँ आपको, खुंदस में मैंने बोला, जितने ये लड़के थे, मैंने बोला यार एक मैं अब सोशल पब्लिक सर्विस कैंपेन बनाऊंगा, जस्ट अपना हाथ साफ करने के लिए, कोई क्लाइंट नहीं है. एड में झाग थी. हाँ, झाग थी, अच्छी थी. और वो पास भी हो गया. और तो मैंने एक एड्स के ऊपर, उस जमाने में एड्स के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती थी कैंपेन. तो मैंने एड्स के ऊपर एक पब्लिक सर्विस एड बनाया, खुद लिखा, खुद शूट किया, और सारे असिस्टेंट्स को पकड़ के. एंड दैट एड गॉट एक्ट क्लब अवार्ड गोल्ड, देन इट गॉट A&M गोल्ड. उसको बड़े सारे अवार्ड्स मिले. उसको जब बहुत सारे अवार्ड्स मिले तो बस फिर क्या था, उसके बाद लोगों ने कहा हाँ. तो वो बदतमीज इंसान, यू मस्ट थैंक हिम. आई डू थैंक हिम, बिकॉज अगर वो ना होते तो मेरी पूरी लाइफ किसी की एरोगेंस की वजह से नहीं बनी है. अगर नहीं होती तो मैं आज ये फिल्म भी नहीं बना सकता था. फिर मैं वो चॉकलेट गोली बनाता रहता. हाँ, अगर किसी वो भी हम जा रहे हैं वहाँ पे, बट इट्स आई थिंक इम्पॉर्टेंट टू पॉज फॉर अ लेसन, बिकॉज कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि एक क्राइसिस आ जाता है. जैसे आप कह रहे हो कि वो सेट लगा हुआ है, पैसे दिए जा चुके हैं, क्लाइंट वेट कर रहा है, और वो उठ के उसको पता था उसकी पावर आप पे, कि इसलिए मैं पीछे पीछे आऊंगा उसके घर और रोऊंगा रात को. और वो हाँ, तो उस वक्त तो आपकी फट गई होगी कि ये क्या हुआ. कई बार लोगों के साथ आपको लगता है कि लाइफ में लोगों को ऐसा झटका पड़ता है कि उस टाइम लगता है दुनिया खत्म हो गई है, बट समटाइम्स द क्राइसिस इज द अपॉर्चुनिटी. क्राइसिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी. अभी मैं आ रहा था, मेरे असिस्टेंट का हार्ट ब्रेक हो गया, मुझे बता रहा था किस्सा. मैंने कहा देखो, अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, यहाँ से तुम बहुत आगे जा सकते हो या तुम एकदम पीछे जा सकते हो. चूज योर पाथ, तुम्हारी चॉइस है ये, राइट. और मैंने कहा ये दर्द से भागो नहीं, इस दर्द को अंदर डालो. जितना पेन अंदर जाएगा उतने तुम हीरे की तरह निखरोगे. तो पेन से डरना क्या है. तो हाँ, तो वही हो गया वो. और वो मेरे को अभी भी खलता है, इसलिए देखिए उसकी एरोगेंस कहाँ से आ रही थी. ना तो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था, ना मुझसे ज़्यादा एजुकेशन था, ना मुझसे ज़्यादा एक्सपोजर था उसका. वो एरोगेंस सिर्फ इसलिए आ रही थी कि ही वॉज मोर कूल देन मी इन बॉम्बे एट दैट टाइम. इंग्लिश, हाँ इंग्लिश, वो कॉलोनियल एक स्टाइल जो थी पूरी, कि मैं ब्रीच कैंडी में रहता हूँ, आई कैन नेवर बी रॉन्ग, यू ब्लडी इंफीरियर पर्सन. नो, बट दैट इज ट्रू. एंड आई थिंक, बट वॉट द गुड थिंग इज कि यू आर पॉजिटिव. यू कुड हैव प्लेड विक्टिम. यू कुड हैव सेड देखो ऐसे हो गया मेरे साथ, ऐसे हो गया ये. बट यू जस्ट सेट कि चलो झाग वाली एड हम ही बना लेंगे, और यू जस्ट
देन फिगर्ड आपने अपना फिल्म मेकिंग कोर्स शेखर कपूर के सेट पे किया? हाँ, उसको देखा मैंने, समझा, वही आपकी वही था, वही मेरा, मेरी एक ही दिन की स्कूलिंग हुई है फिल्म मेकिंग में। वाओ, सिर्फ एक दिन की, और वो भी यानी लंच टाइम से लेकर शाम तक। और मैं देखा शेखर ऐसे ऐसे चलता है, पैदल चलता रहता, अकेले 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 अकेले, लोग बोल रहे हैं वो दूर। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई, फिल्म मेकिंग में जितना तुम अकेले रहोगे उतनी अच्छी फिल्म मेकिंग कर सकते हो। जहाँ तुमने कमिटी क्रिएटिविटी में घुसे वहीं तुम्हारा विनाश चालू। दैट इज सो ट्रू। एंड देन सो देन यू मेड दैट एड फिल्म, यू मेड द सोशल सर्विस फिल्म विच वन अवार्ड्स, देन फीचर फिल्म, देन यू स्टार्टेड राइटिंग इट, और लाइक हाउ डिड यू गेट? मैं एड फिल्म्स किए, बहुत दबा के एड फिल्म्स किए मैंने। फिर एक दिन मेरे को कमलेश पांडे, इफ यू हैव हर्ड अबाउट, रंग दे बसंती, तो वो जी में क्रिएटिव डायरेक्टर थे, तो वो हिंदी वाले थे, हिंदी की किताबें पढ़ते थे और जी में नए नए आए थे। तो उन्होंने मुझे, विवेक यार हम लोग बड़े इन्फीरियर प्रोग्राम बनाते हैं, तो वी नीड सम एडवर्टाइजिंग क्वालिटी, एंड ही वाज अ ग्रेट कॉपी राइटर एट द टाइम। आपको याद होगा वो मेरा भारत महान कैंपेन जो राजीव गांधी, एंड ही वाज अ फ्रेंड ऑफ राजीव गांधी। ओके, तो एंड ही वाज द ओनली फ्रेंड हु कुड टेल राजीव गांधी दैट ऐसा गलत है या सही है। तो ही सेड कि थोड़ी टेक्निकल क्वालिटी चाहिए, तो व्हाई डोंट यू मेक सम शोज फॉर अस। तो वहाँ से फिर मैंने कुछ टीवी शो, तो मैंने कहा मैं ये डेली सोप ओप नहीं बना सकता हूँ, मैं वन ऑफ फिल्म्स बना सकता हूँ, मतलब एक घंटे का एक। तो फिर मैंने उनके लिए बनाना शुरू किया। तो एक उसमें एक टेलीफिल्म बनाई थी चॉकलेट, तो उनकी ये थी जो उनके नए क्रिएटिव डायरेक्टर, उसने बोला देखो यार हमारे यहाँ जी में ऐसा कोई, हमें नहीं पता क्या अच्छी स्क्रिप्ट होती है क्या ख़राब होती है, तो हमें नहीं पता, हमें क्या पता क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो जितने फेमस नॉवल्स हैं या तो उस पर बना लो, या कोई जो बड़ी फेमस हॉलीवुड की फिल्म्स हैं उस पर बना लो। और कल्चर भी उस वक्त बॉलीवुड का यही था एग्जैक्टली, कोई भी एक्टर बिना डीवीडी देखे, आप एक यहाँ सर्वोदय, तो उसके बिना कोई करता ही नहीं था। एक मैं जिस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में एंटर किया है, एक भी डायरेक्टर अपनी मर्जी से कोई फिल्म बना ही नहीं सकता था। एक बता दे कोई कि मैंने बनाई तो मैं मान जाऊँगा उस आदमी को, वो अलाउड ही नहीं था। सो तब एक फिल्म आई थी यूजुअल सस्पेक्ट्स, तो उसने मुझसे कहा ये लगी हुई है, वहाँ रीगल में जाके देख के आओ। तो हम गए, दो तीन बार देखी, तब तो समझ में आई। तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फिल्म थी, वो कप में इसको इसको यार कुछ जोड़ तोड़ के बना दो। तो मैंने बना दिया, हमें क्या था। तो हमने और तब यू फेल्ट रेडी कि मैं पूरी पिक्चर बना लूंगा? नहीं, तो हमने टेलीफिल्म बनाई उसकी, स्विट्जरलैंड वगैरह गए शूट किया, कुमार गौरव नहीं लव स्टोरी में जो हीरो थे उसको लेके आए, निकी अनेजा को लाए, पल्लवी थी, बहुत सारे लोगों को लेके, के मैनन उसका लॉन्च वहीं से हुआ था एक्चुअली, के मैनन का। और स्विट्जरलैंड जाके बिकॉज मैं एडवर्टाइजिंग का था तो उन्हें पैसे भी दे दिए, तो उसको शूट करके आया, हमने वो बनाई। तो सडनली वन डे देर वॉज अ प्रोड्यूसर फ्रॉम लंडन, टू लेडीज, उनने उसको देखा होगा, तो देवर लुकिंग फॉर मी, उनने कहा जिस बंदे ने ये बनाई है हमको यही फिल्म बनानी है, इसी नाम से बनानी है और उसी के साथ बनानी है। दैट्स हाउ माय फर्स्ट फिल्म चॉकलेट केम, अ फिल्म डायरेक्टर इन बॉलीवुड। और मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, उसका नाम था आरंभ, जो बोफोर्स हुआ था ना उसके ऊपर लिखी थी, और उसको रजित कपूर वॉज प्रोड्यूसिंग इट, एक्टर जो है रजित, और नसीर वॉज डूइंग वन रोल। और उसकी हम लोगों ने बहुत रीडिंग्स की, बड़ी वर्कशॉप्स की, बड़ी शिद्दत से मेहनत की। दैट वाज सपोज टू बी माय फर्स्ट फीचर फिल्म, उसके लिए मैं स्ट्रगल करता रहा, पर उसमें कुछ हुआ नहीं। लास्ट मिनट पे फाइनेंसर भी चला गया, रजित भी नहीं बना पाया, और नसीर भाई को हम बोलते रहे कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, नसीर केम एंड स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद अस, वो फिल्म नहीं बनी। और आप देखिए, मैं आपको इस इंडस्ट्री के बारे में बताता हूँ, और उसके कुछ दिनों बाद मुझे ये दोनों लेडीज़ मिली, उन्हें कहा चॉकलेट बनानी है। विद इन 15 डेज I put the entire cast together, Anil Kapoor, Sunil Shetty, Arshad Warsi, Irfan Khan, Imran Hashmi. How? I just said, I'm making usual suspect. They said, okay, we are doing it. Kisi ne poocha bhi nahi kya script, kya nahi, kisi ko kisi cheez se matlab hi nahi tha. So that's how that first film happened. Wow. Aur jab wo film ho gayi, to then jis din wo release hui, uske do teen din baad Ronnie called me, Ronnie's crew wala. And he said, Vivek, I love the cutting edge film you have made, so let's do a cutting edge film. But that film, did it do well? Not that chocolate? Well. See, did it do well? मतलब producer के पैसे नहीं डूबे, उसको मिल गए, पर तब multiplexes आए थे, पर कोई हिसाब किताब ऐसा होता नहीं था। It did pretty okay, but it gave me lot of power to make more films. Yeah, because it's a very stylized film, extremely stylized film, तो इसलिए। And then Ronnie called you and you made Goal. हाँ, तो रॉनी के भी मैं बड़ा एक, तो ही सेड कि आई वांट टू मेक कटिंग एज, और मेरे को तो बिल्कुल ड्रीम में भी नहीं था कि मैं दूसरी फिल्म बनाऊंगा। वो तो एक
बन गई बाय द वे, जैसे आप नच बलिए कर लिया तो उस तरह से, तो मैं तो एडवर्टाइजिंग फिल्म्स में फोकस था, वहीं से पैसे कमाता था। तो हुआ क्या था कि जब मैं चॉकलेट लंदन में शूट कर रहा था तो मुझे साउथ हॉल में किसी ने किस्सा बताया था कि जो साउथ हॉल फुटबॉल क्लब था वो कोई 90 pounds देने थे काउंटी को और वो किसी ने दिए नहीं, आपस में झगड़े हो गए थे तो उनके हाथ से वो चला गया, फिर इंग्लिश मैनेजमेंट ने ले लिया उसको। तो मैंने वो एक रॉनी सेड यू हैव एनी सब्जेक्ट, मैंने कुछ था ही नहीं, ब्लैंक हो गया मैं। तो मैंने कहा यार ऐसा किसी ने बताया था, इस पर स्टोरी बन सकती है। तो यू गॉट एक्साइटेड कि लेट्स मेक अ फुटबॉल फिल्म। तो वहाँ से वो फुटबॉल फिल्म का हुआ, पर माई आइडिया वॉज टू मेक बड़े छोटे लोग छोटे प्रॉब्लम्स, एक छोटी फिल्म बनाने का था। बट द वे बॉलीवुड ऑपरेट्स, तो एवरीबडी सेट कि नहीं नहीं लेट्स मेक इट बिग 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 करते हुए। एंड उसमें सैफ अली खान और प्रियंका चोपड़ा पहले होने वाले थे, फिर सैफ हैड हिज पर्सनल इशूज, तो उस सिलसिले में फिर वो डेट आगे बढ़ती गई। तो जॉन टोल्ड रॉनी कि यार मैं फुटबॉलर हूँ, मेरे को करनी चाहिए आइडली फिल्म। तो दैट्स हाउ जॉन केम इनटू दैट फिल्म। फिर जॉन एंड बिपाशा वर गोइंग अराउंड, तो बिपाशा ने कहा इसमें तो मुझे होना चाहिए, तो देन शी केम। और धीरे धीरे वो फिल्म, आई रियलाइज्ड बाय द टाइम इट वॉज ओवर, आई सेड दिस इज नॉट माई फिल्म, दिस इज नॉट वॉट आई वॉन्टेड। ये तो प्रोड्यूसर वॉन्ट्स टू मेक इट बिग, हीरो वॉन्ट्स टू डू इट दिस वे, हीरोइन वॉन्ट्स टू डू इट दिस वे, और मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। सो आई एम एज गुड और अ बैड फिल्म मेकर एज दी स्टार्स। सो उसने मेरे एक कल्चर शॉक होता है ना, दैट एक्चुअली वॉज अ बैड फेज ऑफ माई लाइफ। एंड उसने मुझे इतना ज्यादा, क्योंकि मेरी एड फिल्म भी छूट गई, वो डेढ़ दो साल उस फिल्म को बनाने में लगे। एंड सो दैट फिल्म डिडंट डू वेल। No, it did pretty okay. I mean, they UTV made money. हाँ. Okay, but then it became a very okay. मतलब मज़ा नहीं आया। मुझे मज़ा नहीं आया, पर बच्चे तो अभी तो बच्चे बड़े हो गए, जो भी मिलता है मुझसे कहता है देखिए उसको। और उस ज़माने के हिसाब से कोई बुरी फिल्म भी नहीं थी, हम मैनचेस्टर वगैरह जाके शूट किया था हम लोगों ने ओल्ड ट्रैफर्ड वगैरह में, लेकिन आई बिकेम अ वेरी सैड पर्सन। रियली? या मैंने जिंदगी में एक ही बार दुखी हुआ हूँ, एंड दैट इज आफ्टर गोल। वाई? इसलिए कि वाज इट द फर्स्ट टाइम यू डिडंट हैव फुल सक्सेस? नो, इट वाजंट टू, इट हैड नथिंग टू से लिंक नहीं। मुझे ऐसा लगा, आई फेल्ट जैसे आपने एक नॉवेल लिखना शुरू किया है और बाय द टाइम इट कम्स आउट आपके हाथ में कुछ कंट्रोल ही नहीं है। पब्लिशर ने उसमें दो चैप्टर अपने ऐड कर दिए, किसी ने कुछ कर दिया, और जिस तरह से उसे मार्केट होना चाहिए, जो एक्चुअली जो उसकी थीम है वो छोड़ के कुछ और हो रहा है। सो फ्रॉम 11 फ्रेंड्स फिल्म इट बिकेम अ जॉन अब्राहम फिल्म। एंड आई सॉ प्रोड्यूसर सरेंडरिंग टू हिम, तब मुझे नथिंग अगेंस्ट जॉन, लेट मी टेल यू, ये सिस्टम ही ऐसा है। मुझे लगा, और मैं कोई एरोगेंस से नहीं बोल रहा हूँ ये बात, मुझे लगा मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैंने लाइफ में स्ट्रगल किया, मैंने जिंदगी को असली में जिया है, और मैं डायरेक्टर हूँ इस फिल्म का, आई एम राइटिंग, और ये फिल्म किसी और के कैलिबर से जानी जाएगी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी डेस्टिनी, मेरा सब कुछ कुछ और लोग कंट्रोल करेंगे। एंड देन आई सेड नो, आई कांट वर्क इन दिस सिस्टम। मैं इस सिस्टम में काम नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा एक कमिटमेंट था एक फिल्म का, वो विक्रम भट्ट की एक फिल्म थी हेट स्टोरी का, मैंने वो कंप्लीट किया, एंड देन आई रिजाइन मेंटली फ्रॉम। या यू हैवंट डन एनी लाइक मेनस्ट्रीम कमर्शियल फिल्म आफ्टर दैट? और आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे रिलायंस ने, अनिल अंबानी की रिलायंस ने, दे हैड साइंड 5 directors एट दैट टाइम, एंड दे हैड पेड वल्गर मनी, मैंने बहुत पैसा दिया था मुझे। तो वो मैंने उनकी कोई फिल्म भी नहीं की उसके बाद, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा ये लोग जिंदगी भर यही फिल्में बनाएंगे। वॉट हाउ डिड यू डू हेट स्टोरी? And why? Because did it was a great script. It was a good script. It was about the vengeance of a. वो actually उस पे थी, वो सिडनी शेल्डन का नहीं है कि I'll break your empire brick by brick, वो था। पर by the time it shaped up, it became something else. फिर वो उसमें erotica आ गया, ये हो गया, marketing अलग हो गई, वो दुनिया भर की चीजें हो गई। फिर मैंने दो और फिल्में छोड़ दी, एक अनुभव सिन्हा की थी जिद, वो भी उसने मुझे एक जर्मन अवार्ड विनिंग फिल्म दिखाई थी अबाउट एक होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप के ऊपर थी, बड़ी अच्छी थ्रिलर थी, पर उसको भी इरोटिका बनाने में आ गए वो लोग, तो मैंने वो एक शेड्यूल करके छोड़ दिया। फिर एक टी सीरीज की फिल्म थी जुनूनियत, वो भी मैंने तीनों एक। यू फेल्ट यू वर बीइंग यूज्ड? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि ये दे जस्ट नीड अ डायरेक्टर फॉर अ नेम, एंड दे विल थ्रो मनी एट यू एंड यू विल गेट द मनी, एंड नाउ यू जस्ट तू अब हमारे मतलब तू कठपुतली की तरह नाच हम। और आपकी फिल्म जो है वो उसका कॉम्पिटेंस स्टार वैल्यू पे ही होगा, वो जो स्टार जितना बड़ा और छोटा समझिए। आज आपने शाहरुख खान के साथ फिल्म साइन की,
राइट, या आमिर खान के किसी के साथ भी की, और आज वो बड़ा पॉपुलर हीरो है और उसकी कोई ट्रेजेडी हुई लाइफ में और सडनली उसका मार्केट वैल्यू गिर गया, तो आप भी बर्बाद हो गए. यस, बेसिकली वो स्टार व्हीकल जिसे कहते हैं कि वो, हाँ, वो स्टार व्हीकल है, वो आप सब एक गाड़ी में हैं पर वो वही है ड्राइवर रेस कार का. अब आप तो फिर मैंने कहा आई विल प्ले दिस, इफ आई हैव टू प्ले दिस गेम, तो मैंने सब छोड़ दिया. मैंने कहा अब मैं, जब छोड़ दिया फिर पैसे बंद हो गए, पैसे बंद हो गए तो योर फैमिली वाज ओके, वाइफ वाज ओके? नहीं, तो वही मैं बता रहा हूँ. तो मैंने कहा कि अच्छा मैं पढ़ा तो सकता हूँ, तो फिर मैंने आई एम में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में थोड़ा पढ़ाना शुरू किया. तो लाइक यू बिकेम अ विजिटिंग प्रोफेसर और या लाइक दैट. वाओ, आईएसबी जो है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ऑफ हैदराबाद, तो उसमें मैं एक वर्कशॉप कर रहा था जिसका मैंने नाम रखा था आई एम बुद्धा और ग्लोबल लीडरशिप. तो क्यों वो कैसे एकदम ही टर्न, मतलब फिल्मों से मैं हेट स्टोरीज से विरक्ति हो गई थी मुझे, इतना दिल टूट गया आपका? दिल नहीं टूट गया, मुझे मुझे ऐसा लगा कि इतनी ज्यादा मीडियोक्रिटी हम प्रमोट करते हैं. इतनी ज्यादा मीडियोक्रिटी प्रमोट करते हैं, मतलब कि आज जो यंग लड़के लड़कियों के ऑप्शन ही नहीं है, उनको लगेगा जैसे मीडियोक्रिटी इज एक्सेलेंस. और दूसरा क्या है कि स्टोरी टेलिंग के दो तरीके हैं, एक है स्टोरीज विच पीपल वॉन्ट टू हियर एंड देयर स्टोरीज विच यू वॉन्ट टू टेल. तो यहाँ पे स्टोरीज विच यू वॉन्ट टू टेल का सिस्टम ही नहीं है, अनलेस यू आर इंडिपेंडेंट, स्ट्रगल कर करके 5-6 करोड़ की 2-4 साल में घर गिरवी रख के बना लो. तो जब मैं वहाँ पढ़ा रहा था तो कुछ लड़कों ने बोला, उनका एक प्रोजेक्ट करना होता है लास्ट ईयर में, एक ही साल का तो होता है कोर्स, यानी लास्ट सेशन में, तो दे सेड कि वी वॉन्ट टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन नेक्सलिज्म, तो आप उसको मेंटोर कर देंगे क्या? तो मैंने कहा कर दूंगा. तो मैंने कहा पर इसको कैसे प्रोड्यूस करोगे? तो वहाँ तो आप जानते हैं ना इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में जो, हाँ जी, एट दैट टाइम इट वॉज इन टॉप 10 बिजनेस स्कूल्स इन द वर्ल्ड. तो उन्होंने बोला कि हम तो सब कमा के आते हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी अच्छी नौकरी करके, सबके पास सेविंग्स हैं, तो 20,000 हम 10 लोग डालेंगे तो ऐसे कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और उससे बनाएंगे. मैंने कहा यार तुम लोग फ्यूचर CEOs हो, पागल हो तुम लोग? अपने पैसे डाल के सेविंग से तुम एक डॉक्यूमेंट्री बनाओगे जो कोई देखेगा भी नहीं कल को? हाँ. तो क्रिएट अ बिजनेस मॉडल हियर ना, वो रेस फंड्स, मेक अ फीचर फिल्म. और वो मैं बोल के निकल गया न्यू ईयर्स मनाने अपनी बीवी और बच्चों के साथ जयपुर. तो मेरे को फ़ोन आया उसका 2 तारीख को, कहता था मैंने पैसे अरेंज कर दिए, आप आ जाओ कल ही आ जाओ हैदराबाद और मैं आपको उससे इन्वेस्टर से मिला देता हूँ. तो उनके यहाँ एक गार्जियन सिस्टम है कि हर स्टूडेंट्स के गार्जियंस होते हैं, तो किसी एक ने बोल दिया कि कर देंगे. सो दे रेज 1 करोड़ रुपीज़ टू मेक अ फीचर फिल्म. मैंने कहा मर गए, इसमें कैसे 1 करोड़ में फिल्म बनेगी? पर उन्होंने जो रिसर्च किया था वो एक स्टीरियोटिपिकल, मैं इसलिए स्टोरी बता रहा हूँ, पीपल शुड लिसन टू दिस, अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो उन्होंने वो जो एक स्टीरियोटिपिकल आइडिया है हम लोगों को, उसी के ऊपर वो एक फिल्म की कोई स्क्रिप्ट वगैरह लिखी थी. और वो आइडिया ये था कि गुलपनंग को उनने लिया था उसमें, कि एक बिजनेस वूमेन है, एंटरप्रेन्योर, उसके कई सारी उसके माइंस वगैरह में इंटरेस्ट हैं, और वो हेलीकॉप्टर से जाती है वहाँ छत्तीसगढ़ बस्तर इलाके में, और उसका हेलीकॉप्टर ख़राब हो जाता है तो वो फंस जाती है वहाँ पे. एंड शी हेट्स नेक्सल्स, तो कहती है बड़े गंदे लोग हैं, पर वो 3-4 दिन उनके साथ बिताती है और कहती है नेक्सल्स तो बड़े अच्छे हैं, तो मैसियाज हैं, और खुश होकर आ जाती है. ये एक स्टीरियोटिपिकल जो मॉडल था, ये स्टोरी जो लोग सुनना चाहते हैं, पर मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस था, मुझे पता था कि नेक्सल्स जो हैं वो एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव लोग हैं, जो आदमी बंदूक उठा के काम कर रहा है वो अच्छा हो ही नहीं सकता. तो देन आई सेड लेट्स बेस इट ऑन रिसर्च, और वो रिसर्च पे बेस करके मैंने पहली फिल्म बनाई बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, एंड आई प्रोड्यूस्ड इट. दैट चेंज माई लाइफ फॉर एवर. ये जो आज सब लोग कश्मीर फाइल्स, वो कितने बजट पे बनी थी? 1 करोड़ में पूरी फिल्म. पूरी फिल्म, अनुपम खेर था उसमें, अरुणोदय, माही गिल एंड ऑल दैट. हाउ यू कैन मेक अ फिल्म फॉर 1 करोड़? हाँ, तो वही, तो वहाँ पे फिर मेरा सारा मैनेजमेंट स्किल जो लाइफ का था वो काम आया फिर सारा. तो मेरा जितना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था वो सब, दैट आई वाज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ बॉलीवुड अपार्ट फ्रॉम अनुपम खेर जी, जो हाँ वो भी इसलिए अनुपम को मैं जानता था, इसलिए मैं अनुपम को ले आया था, और कोई रीज़न नहीं था. तो एंड अनुपम डिड इट एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस, ऑफकोर्स, इसलिए वो सब एंड एवरीथिंग फ्री में कराना, उस तरह से कराना. फिर वो कैंपस में मैंने डीन से बात करके उनसे पूरा फ्री में कैंपस ले लिया, तो लोकेशन बच गई, खाना पीना वहीं मेस में खा लिया, हॉस्टल में रुक गए, उस तरह से वो फिल्म कर ली. मेरे पास एक कंप्यूटर था जिसमें खुद ही एडिट कर लिया वहाँ पे, इस तरह से वो फिल्म बना ली. बट दैट फिल्म चेंज माई डेस्टिनी फॉर एवर, एंड दैट्स वेयर आई लर्न कि अगर इफ़ यू स्टिक टू योर गन्स देन कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में, एवरी थिंग इज़ पॉसिबल. लेकिन आपके पास विजन होना चाहिए. अगर आप ड्रीम हैं तो आप कुछ नहीं कर. ड्रीम तो मेरा भी था, आई विल बिकम अ बिग फिल्म मेकर,
वो तो मेरा भी ड्रीम था, लेकिन आई रियलाइज कि वो ड्रीम से कुछ नहीं होता है क्योंकि विजन नहीं था. मैं तो वही फॉलो कर रहा था जो सब करते हैं. अच्छा भाई आ गए, एक स्टार को साइन करो, एक बड़ी फिल्म बनाओ, गाने आने डालो, और जैसे हो जाए फिर एक बढ़िया सी मर्सिडीज जीएल सीरीज खरीदो, पार्टियां करो, दारू पियो. दैट इज द ड्रीम. दैट लाइफ डजंट अट्रैक्ट यू? मतलब जैसे 1 करोड़ की आपने फिल्म बनाई, उसका छोटा मोटा बिजनेस हुआ, आपको नहीं लगा यार पर ये तो इतनी, मतलब ये जो बॉलीवुड की फिल्में हैं वो तो 100 करोड़ कर रही हैं, 50 करोड़ कर रही हैं, आपको नहीं लगा कि मैं छोटी फिल्म में, यू नो, एक रिलेटिव हो जाता है, तो छोटा फिल्म मेकर है ये, बड़ा फिल्म मेकर है? मैंने क्विट ही कर दिया, अपने दिमाग से बॉलीवुड डिलीट ही कर दिया मैंने. मेरे को आज भी बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं, ना मेरे दोस्त हैं वहाँ, मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है. मैं बिल्कुल आउटसाइड ऑफ द बॉलीवुड हूँ. हाँ ओके, बिल्कुल आउटसाइड ऑफ द बॉलीवुड हूँ. ना वो मुझे मानते हैं, ना मैं उनको मानता हूँ. मैंने AR रहमान एक बार मुझे मिले थे, जब वेरी फ्यू सेलिब्रिटीज आई रियली रिस्पेक्ट, सो ही आई आस्ट हिम शुरू में अपने करियर के, सर ये कैसे करूँ, मेरे को शौक है कि मेरी किताबों पे फिल्में बने, लेकिन मेरे को डर भी लगता है बॉलीवुड से. तो उसने कहा कि ये ना एक मगरमच्छ का पॉन्ड है, तो इसमें आप एक पाँव ज़मीन पर रखना और एक पाँव तालाब के पास से पानी पी लेना, तैरना मत. मतलब गो देयर, हैव सम वाटर, बट स्टे इन द ग्राउंड. वो एक पाँव अंदर एक पाँव बाहर. मैंने थोड़ा दूसरा किया, मैंने कहा मैं इस पॉन्ड के पास ही नहीं आऊंगा, मैं अपना कुआं खोदूंगा. आपने अपना कुआं खोद दिया. पर आपका भी तो बॉलीवुड के साथ एक्सपीरियंस है. हाँ, मेरे भी अजीब अजीब ही रहे हैं, बिकॉज यू नो आई, यू आर अ मच मोर पर्सन, की आई एम मोर बेंडेबल. आई जस्ट फेल्ट लाइक, जैसे आप कहते हो कि भाई यहाँ का ये सिस्टम है, यहाँ सक्सीड करना तो ये करना ही पड़ेगा. आप शायद मुझे तब जानते नहीं थे. आपका आपकी फिल्म, आपकी बुक पे फिल्म बनी थी जो 3 Idiots ना, तो आपको शायद याद नहीं होगा, आप अभी जाके कहीं देखिए, आई वॉज द ओनली पर्सन हु स्पोक अगेंस्ट. नो आई रिमेंबर दैट. आई रिमेंबर, क्योंकि मैं, मुझे राइटर्स की बेइज्जती मैं सहनी नहीं कर सकता. बिकॉज यू आर राइटर योरसेल्फ. तब नहीं था. हाँ. तो बाद में बना, तब नहीं था. लेकिन मेरे को पसंद ही नहीं है कि कोई राइटर को नीचे रखे. हाँ. और इस इंडस्ट्री में राइटर को कुछ समझते ही नहीं है लोग. छोड़िए सर, क्या दुखती रख. एनीवे, आज आपका डीप टॉक है, कभी और बात करेंगे. बट ओके, सो देन यू मेड बुद्धा इन अ ट्रैफिक जाम, यू सेड दैट चेंज योर लाइफ, देन व्हाट? देन उसके बाद देन आई मेड ताशकंद फाइल्स. हाँ, व्हिच डिड क्वाइट वेल. मतलब कश्मीर फाइल्स से तो कुछ भी नहीं कंपेयर हो सकता. नो, इट वाज एक्चुअली वेरी गुड. एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, इट इन क्वालिटी इट वाज अ बिगर हिट देन कश्मीर फाइल्स. बिकॉज़ उसका बजट वाज, बिकॉज़ किस, सबने लिख ही दिया था कि ये तो फिल्म चल ही नहीं सकती. हाँ, भगवान भी आ जाए तो नहीं चलेगी. हाउ डिड यू फील कि इतने लो बजट की फिल्म मैं रिलीज करूं थिएटर में? वो 160-170 स्क्रीन्स में रिलीज हुई थी. हाँ. और उसके 2 दिन बाद कलंक आ गई. हाँ. और वो 100 स्क्रीन पे आ गई, 100 शोज पे आ गई. हाँ. पता नहीं हमारी किस्मत अच्छी थी कि कलंक की खराब थी. सर आप आते सबको खा जाते हो. पीपल स्टार्टेड कंपेयरिंग द फिल्म. कलंक चली नहीं, फिर हमारा धीरे धीरे धीरे, इट रैन फॉर 120 डेज. हु नोज आज की तारीख में 100 दिन फिल्म का चलना. मेड प्रीटी गुड मनी फॉर एवरीबडी अक्रॉस द बोर्ड. उसका ये हुआ कि उसका जो वो OTT था, वो दैट वेंट टू नेटफ्लिक्स. जी पेड प्रीमियम एंड बॉट इट बैक फ्रॉम नेटफ्लिक्स. तो आप सोचिए फिल्म या कैसे गई. और सबने बोला इतनी वर्बोस फिल्म है, ऐसा तो फिल्म होती ही नहीं है, सिर्फ डायलॉग है और कुछ नहीं है. देखना ऑडियंस 2-10 सेकंड भी नहीं रुकेगी इसमें. और उसको बेस्ट स्क्रीन प्ले डायलॉग का नेशनल अवार्ड मिले. नहीं, डायलॉग्स तो वो तो कश्मीर फाइल्स में भी बहुत है. द स्पीच, आई डोंट नो द एग्जैक्ट ड्यूरेशन, बट दैट्स वेरी लॉन्ग. That's must be like 3 minutes, 4 minutes. That scene. End में. हाँ. No, that was 30 minutes long. Then ultimately it was about 16-17 minutes long in the film. बताइए. But it feels like 3-4 minutes. Speech. Yeah. So it's a long, like it's a long monologue. But yeah. You know, वो story जो demand करती है वो करती है उसमें. So we broke all the rules of filmmaking. जितने भी possible rules हैं filmmaking हमने तोड़ दिया. हम सारे जितने भी बुड्ढे एक्टरों को पकड़ के ले आए. हाँ. उनको एक room में बैठा दिया ताशकंद files में. और उन सबको सिर्फ बात करो, दे केप टॉकिंग. वी यूज मल्टी मीडिया, कहीं स्लाइड्स, कहीं ये, कहीं वो, फलाना डिम का आगे भी. वी डिड वॉट एवर वी फेल्ट लाइक. एंड बट देन आई रियलाइज, लोग अगर 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 आपकी बात में दम है ना, तो दुनिया सुनती है. आपको मार्केटिंग हाइप इसलिए चाहिए होती है क्योंकि आपकी बात में दम नहीं होती. कॉन्टेंट कॉन्टेंट ही नहीं है तो तुम बॉम्बे टाइम्स के फ्रंट पेज खरीद खरीद के स्टार्स क्रिएट कर रहे हो. वो स्टार नहीं है. तो जब जिस दिन मार्केट बॉम्बे टाइम्स में उसकी फोटो छपनी बंद होगी, उसी दिन वो बर्बाद हो जाएगा. हाँ, लोग भूल जाएंगे. लोग भूल जाएंगे. यही फिल्मों के साथ है. एंड देन अराउंड द सेम टाइम एज ताशकंद फाइल्स, लाइक लिटिल बिफोर लिटिल आफ्टर यू कैन से, इज़ व्हेन
आपका थोड़ा पॉलिटिक्स आया मैंने देखा, लाइक विच इज़ ग्रेट. आई मीन आई एम सेइंग इट बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द पॉलिटिक्स, इट्स अबाउट बिकॉज आई एम वन ऑफ द फ्यू पीपल हु हैज़ आई थिंक नॉट ओनली डन स्टोरीज एंटरटेनमेंट के लिए, फिल्में वगैरह, बट ऑल्सो रिटन अलॉट इन न्यूज़ पेपर्स अबाउट द स्टेट ऑफ द नेशन, कंट्री, ऑल. एंड मोस्ट पीपल इन बॉलीवुड डोंट स्पीक अबाउट इट. जो आप कह रहे हो रूल्स ये हैं कि तू ये कर ये कर ये स्टार ला, एक रूल ये भी है पॉलिटिक्स में नहीं, पर आपने बोलना तब स्टार्ट किया, वो कहाँ से आया? वो वही स्टूडेंट यूनियन वाला लड़का वापस आ गया? व्हाट हैपेंड? नहीं, मैंने जब बुद्धा ने ट्रैफिक जैम बनाई थी ना 2010 में, इट वाज अ पॉलिटिकल फिल्म. इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर भगवान खड़ा है और माँ बाप खड़े हैं और गुरु खड़ा है तो सबसे पहले गुरु के पहुँच हुआ. तो हमारे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि गुरु भी तो करप्ट हो सकते हैं, है ना. तो वो हमने एक दिमाग में डाल दिया. एंड आई न्यू फॉर श्योर कि हाउ टीचर्स इन सम यूनिवर्सिटीज रिक्रूट नेक्सल स्टूडेंट्स फॉर द रेवोल्यूशन. तो उस कॉन्सेप्ट पे जब वो फिल्म बनी तो उसको कोई रिलीज़ करने को, तो 2011 की बात है ये, 2010 में शुरू किया था, 2011 में बनी. तब तो कोई मोदी और कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, तो मैं तब से उस पर कर रहा था. एंड आई यूज़ टू राइट अलॉट ऑन पॉलिटिक्स बट नोबडी नोटिस्ड इट. फिर जब फाइनली एक दिन ये नौबत आ गई थी हमारी कि आई सेट कि क्या भोपाल वापस जाऊँ, क्या करूँ, और मुझे अच्छे से भोपाल वापस जाऊँ. हाँ, आई हैड नो मनी, आई वाज लाइक वेरी वेरी इन अ बैड शेप. यार फिल्म 1 करोड़ की आपने बना ली, अब बैठे हुए हैं कुछ कर नहीं सकते. और तो बहुत अंधेरा था अगस्त सितंबर में, और बड़े वो अंधेरा सा हो गया था मर्की, और आई लिव इन वर्सोवा नियर द सी, तो बहुत डार्क था. एंड आई वॉज पेंटिंग, तो मुझे सडनली एक थॉट आया. जब पेंट करते हैं बड़ा मेडिटेटिव मोमेंट होता है, तो मुझे एक थॉट आया. मैंने कहा जस्ट बिकॉज आई हैव शॉट इट ऑन अ फिल्म डजेंट मीन कि ये सिर्फ थिएटर में रिलीज हो सकती है. तो मैं 5 साल से क्या स्ट्रगल कर रहा हूँ थिएटर के लिए. 5 साल आपने स्ट्रगल किया रिलीज? हाँ, 2016 तक. तो मैंने कहा कि ये है तो एक स्टोरी, तो वाई डोंट आई जस्ट टेक इट टू यूनिवर्सिटीज एंड शो इट टू पीपल. तो मैंने कहा ठीक है, सिनेमा डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ है उनको लिखता हूँ कि भाई एक फिल्म में आता हूँ, दिखाता हूँ स्टूडेंट्स को, पैसे नहीं मांग रहा हूँ, फ्री में दिखाता हूँ. तो ऐसे ट्रैवल करता हूँ. तो जब मैंने JNU में वो फिल्म के लिए लिखा, तो जो वहाँ हेड ऑफ सिनेमा स्टडीज़ थी, उन्होंने मना कर दिया फिल्म को, क्योंकि वो उन्हीं के यानी वो लेफ्टिस्ट प्रोफेसर के बारे में थी. और कुछ किस्मत मेरी अच्छी ऐसी अच्छी थी कि उसी के कुछ दिन बाद वो कन्हैया वाला केस हो गया भारत तेरे तो. तो सडनली स्टूडेंट जिनने देखी थी वो फिल्म, उनको लगा अरे इस फिल्म में जो दिखाई तो प्रॉफिटिक फिल्म है. ये तो विवेक ने 2011 में ये बात बोली थी जो अब हो रही है 2016 में. एंड देन आई ट्रेवल विद द फिल्म इन 30 डेज. आई ट्रेवल सम 45 कैंपसेस. और फिर वो बड़े अटैक हुए जोधपुर में, तो मेरा कंधा अंधा तोड़ दिया उन लोगों ने. तो जब वो पीपल सॉ दैट आई एम एक्चुअली फाइटिंग फॉर माई फिल्म, देन दे अंडरस्टूड कि मेरा कन्विक्शन जो है वो है. और लोग पहचान लेते हैं कन्विक्शन को जब आप अपनी क्रिएटिविटी के लिए लड़ते हैं ना, तो लोग पहचान लेते हैं. तो जो लोग उसके अगेंस्ट थे लेफ्टिस्ट लोग, वो मेरे अगेंस्ट खड़े हो गए सारे. एंड देन बिना फिल्म देखे उन लोगों ने इस फिल्म को रिडिक्यूल करना शुरू कर दिया. एंड देन आई सेट कि ये क्या हो रहा है, इनने फिल्म देखी भी नहीं है, किसी ने भी नहीं देखी है एक्चुअली, और ये फिल्म को ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं जैसे ये देख के कर रहे हैं. बॉलीवुड वाले लोगों ने मुझसे बात करना छोड़ दिया. देन आई सेट नाउ आई हैव टू फाइट इट आउट. फिर उस वेंजेंस के साथ एंड देन ट्विटर चालू हुआ. फिर मैं खुल के लिखूंगा, मुझे किसी को ठीक है. अब जब तुम सुनना ही नहीं चाहते. हुआ क्या कि यहाँ जब मैं बॉलीवुड में था, सब कहते थे देखो हॉलीवुड में तो डायरेक्टर्स हमेशा पॉलिटिकल व्यूज़ रखते हैं, एक्टर्स पॉलिटिकल व्यूज़ रखते हैं. तो मैंने कहा अच्छा मेरे भी पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आपके पॉलिटिकल व्यूज़ एक ही साइड के होने चाहिए, दूसरी साइड के हों तो वो आपको डिस्कार्ड करते हैं. फिर मैं खुल के बोलना चालू कर दिया. नाउ आई डोंट केयर. नाउ यू डोंट केयर. एंड देन यू मेड कश्मीर फाइल्स. एंड बिकॉज ताशकंद फाइल्स वाज अ हिट, वाज गेटिंग फंडिंग लिटिल इजियर और इक्वली हार्ड? नो, इक्वली हार्ड. इन फैक्ट हार्डर. हार्डर, ओके. व्हाई इज दैट? इसलिए क्योंकि लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि ये चीज़ चल गई, शायद फ्लूक से चल गई होगी, ये होगा एंड ऑल दैट. एंड मेरा ये था कि मेरी कंडीशन ये थी. दे वर एक्चुअली इवन ताशकंद द यूजुअल सस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश मीडिया जो हैं, मैं नाम लेने का कोई मतलब नहीं, आई डोंट वांट टू प्रमोट देम हियर, बट जो यूजुअल इन इंग्लिश मीडिया पब्लिकेशंस हैं, इवन ताशकंद फाइल्स, दे हैड डिसाइडेड कि इस फिल्म की बजानी है. उन्होंने लिख दिया था 2-4 दिन पहले ही कि वी वॉन्ट रिव्यू दिस फिल्म. हाँ, या और 0 स्टार्स दिए थे. हाँ, मुझे अच्छे से याद है, NDTV वालों ने 0 स्टार्स दिए थे उस फिल्म को.
तो मैंने बोला भी, मैं हंसते हो कई बार बोलता जीरो कैसे दे सकते हो, मैंने कहा जीरो कैसे दे सकते हो, मतलब एक्टर तो थे, मिथुन चक्रवर्ती तो था, एक्टर तो थे, कुछ तो था, यानी ऐसा तो नहीं खाली था, नहीं ऐसा तो कि समझ ही नहीं आई आपको फिल्म, या एकदम ही ऐसे यू नो लाइक इट्स बैडली एडिटेड, बिल्कुल कॉन्वोल्यूटेड हो गया या कुछ समथिंग, इट वॉज अ फिल्म विद हैड अ बिगनिंग मिडिल एंड एंड, और 120 दिन चली तो है ना, जो लोग ने समबडी हैज लाइक्ड इट, कुछ तो होगा, जीरो स्टार, बस कुछ दे दिया बस, फिल्म को रिव्यू नहीं किया, मुझे रिव्यू कर, डिड दैट हर्ट यू? नहीं, आई फेल्ट वेरी गुड एक्चुअली, मैं गुड, हाँ मैं एक्चुअली आपको बता रहा हूँ, मुझे एकदम से ये समझ में आ गया कि अब मुझे क्या करना है, अगर वो उस फिल्म को 2.5 स्टार देते तो मैं कंफ्यूज हो जाता कि अच्छा भाई शायद ये, मुझे ये समझ में आ गया कि अब मेरे को किन लोगों की तरफ देखना भी नहीं है मुड़ा। सो ये दिस इज अ लेसन फॉर पीपल, जब हम लोगों को लोग हल्का सा भी क्रिटिसाइज कर देते हैं, ये एक लोगों में टेंडेंसी है, एक पार्टी में आपको 50 लाख बोल, 50 लोग बोले ना आप बड़े अच्छे लग रहे हो, बोले थैंक यू थैंक यू, एक जना बोलते ना ये क्या पहन के आ गए हो, अजीब लग रहे हो, आपको वही बंदा याद रहता है, या यू नो व्हाट आई मीन, कि यार क्या हो गया ऐसे, वो 50 लोग जिन्होंने जेन्युइनली बोला था वो भूल जाते हो, वो भूल जाते हो, वो जो लोगों ने पैसे देखे टास्किन फाइल देखी है, और वर्सेस जो ये जीरो स्टार जिसने कोई पैसे नहीं खर्चे, जिसको तो सैलरी मिल रही है अपनी कंपनी से, वो अपना कर रहा है जो, और उसने मजे फिरकी लेने के लिए करा है, जीरो स्टार फिर की लेने के लिए, ताकि लोग क्लिक करें कि इसने बजाई होगी, चलो मजे लेते हैं, कैसे हंस रहा है फिल्म, है ना, बेसिकली दैट इज इट, इज नॉट अ फेयर रिव्यू बाय एनी मी, यू कैन नॉट गिव फेयर रिव्यू, हाउ डू यू थिंक पीपल शुड डील विद क्रिटिसिज्म, जो यंगस्टर्स स्पेशली, सी वी आर एट एन एज विच आर लिटिल ओल्डर, हमने जिंदगी देखी, हमने बहुत गालियाँ सुनी है, हमें परवाह भी नहीं, पर जो यंगस्टर्स हैं उनको बहुत सेंसिटिव होते हैं, मैंने देखा है जरा से भी क्रिटिसिज्म के, यार लोगों का सेल्फ एस्टीम टूट जाता है, आपने देखा ही इस इंडस्ट्री में कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, इट्स अ वेरी सुशांत का जैसे, हाँ सुशांत का एक्चुअली, और ये बहुत एक डेंजरस चीज है, मेरे को थैंक गॉड मेरे को थोड़ा सा एम्पावर किया है, तो आई एम डूइंग माय बिट कि मैं लोगों को अपने साथ जोड़ रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक देम रियलाइज कि तुम्हारी जिंदगी इन लोगों पर डिपेंडेंट नहीं है, तुम्हारी जिंदगी से तुम पर डिपेंडेंट है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गया ना, लोग इतनी हरी में है, हर आदमी इतनी जल्दी में है, वो चाहता है कि बस मैं कल सुपरस्टार बन जाऊँ, मैं हीरो बन जाऊँ, मैं डायरेक्टर बन जाऊँ, ये हो जाऊँ, लोग रेडी ही नहीं हैं ज़िंदगी को धीरे 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 तराश के जाने में, जैसे आप माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं ना, तो हमेशा ऐसा लगता है लोग हमसे आगे हैं, क्योंकि आप तो सामने ही देख रहे हैं ना, फिर कभी आप रुको पानी पीने के लिए पीछे मुड़ कर देखो तो आपसे ज़्यादा लोग पीछे होते हैं, जब ट्रैकिंग वैकिंग करो ना तो जो ग्रुप्स में चलते हैं, जब आप आई डोंट नो इफ़ यू हैव डन और नॉट, तो ये पीछे मुड़ के कोई देखता नहीं है, पेस इतनी ज़्यादा है, सब धक्का दे रहे हैं, आप भाग रहे हो उसके साथ, तो हमेशा लगता है कि कोई आगे जा रहा है, तो मैं क्रिटिक्स का ऐसा है, पहली बात तो क्रिटिक्स है नहीं, दे आर नॉट क्रिटिक्स, क्रिटिक कौन है, क्रिटिक जो कि क्रिएटिविटी में इंटरेस्टेड है, आपकी बुक उठाता है, कहता है भाई पेज नंबर 122 में आपने ये लिखा है, ये कैरेक्टर इधर चला गया उधर चला गया, इसका आर्क बिगड़ा, उसको मैं क्रिटिक मानता हूँ, जो कि उस प्रोडक्ट को खोल दे और उसके सारे कंपोनेंट्स को खोल दे और वो कहे कि और समझे भी कि आपने ऐसा क्यों किया है, वो क्रिटिक्स बहुत अच्छे होते हैं, वो लाइफ में बड़े यूजफुल होते हैं, लेकिन जो सिर्फ आपको नहीं आपके आपको जज कर रहा है, प्रोडक्ट को नहीं आपको जज कर, ये चेतन भगत है, अच्छा इसकी मेरी क्या थिंकिंग है, अच्छा ये मैं नहीं जमता, अब मैं चेतन भगत को मुझे डाउन साइज करना है, ह्यूमिलिएट करना है, लोगों की नज़र में दिखाना है ये इंटेलिजेंट नहीं है, वो क्रिटिक्स है नहीं, तो इतना तो आपको सीखना पड़ेगा अगर आप आए ऐसी फील्ड में कि कौन क्रिटिक है और कौन क्रिटिक नहीं है, यू हैव टू नो दैट, एंड वंस यू नो दैट देन यू कैन जस्ट लुक एट रियल क्रिटिक्स एंड, पर वो रियल क्रिटिक्स बहुत कम मिलेंगे फिल्म इंडस्ट्री में, तो आपको आज की तारीख में जीरो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ही नहीं, इम्पॉसिबल है, बट फॉर पीपल आई मीन हाउ डू यू लाइक यू जस्ट इग्नोर इट, यू जस्ट इग्नोर क्रिटिसिज्म, ट्विटर पे भी जब आता है या यू जस्ट इग्नोर इट, यू जस्ट लाफ अबाउट इट, मैं दो तरह से करता हूँ, कुछ लोग जो मुझे लगता है कि इनको जवाब देना चाहिए और अगर जो पॉलिटिक्स खेलते हैं मेरे साथ, तो मेरा भी थोड़ा पॉलिटिकल एक्यूमेन है, जो पॉलिटिक्स खेलते हैं उनके साथ मैं भी जानता हूँ कैसे पॉलिटिक्स करनी है, लेकिन जो बाकी मैं फिल्म इंडस्ट्री जैसे इतना फेमस केस है इसलिए जो फिल्म कंपेनियन ने जो किया था अनुपम, हाँ दैट वॉज मीन, और वो अगर मैं जवाब नहीं देता तो वो एक प्रेसिडेंट सेट कर रहा था, वो ये है कि भाई मेरी फिल्म आ रही है कश्मीर फाइल्स और वो कह रहे हैं कि वी निकाल रहे हैं ताशकंद फाइल्स का रिव्यू और कह रहे हैं कि इसका ट्रेलर आया कश्मीर फाइल्स का, सो देयरफॉर यू रीड द रिव्यू ऑफ ताशकंद फाइल्स, और उसमें लिखा हुआ है इट्स अ सेकंड हैंड सेकंड ग्रेट फिल्म ऑफ अ थर्ड ग्रेट पॉलिटिक्स, आई रियलाइज कि ये बहुत ज्यादा गलत है, तभी मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर डाला, इट वॉज इंपॉर्टेंट टू एक्सपोज दैम,
ओके, यू आर मैरिड टू अ कश्मीरी गाय एंड हाउ कैन यू डू दिस. मुझे पता था ये पॉलिटिक्स है, दे वॉन्टेड टू मेरी फिल्म को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे. तो मेरा एक उसूल है, मैं किसी के काम में इंटरफियर नहीं करता हूँ. आपने कभी नहीं देखा होगा मैं किसी फिल्म की बात करता हूँ, बट इफ़ यू विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय माई प्रोडक्ट, तो मुझ में इतनी कुव्वत होनी चाहिए, मुझ में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं अपने क्रिएशन को तो डिफेंड कर सकूँ. ऑफकोर्स मैं अगर अपनी क्रिएशन को डिफेंड नहीं कर सकता हूँ तो मतलब दैट्स लाइक योर चाइल्ड. या देन एंड अ पेरेंट हैज टू डिफेंड द चाइल्ड. तो मैं तो अपने प्रोडक्ट को डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे इंटरफियर नहीं कर रहे हैं, आप फिल्म को गाली दीजिए जितनी देनी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन सर अब आपको डिफेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है कश्मीर फाइल्स को. अब वो आप बेशक उसके पेरेंट हैं, लेकिन अब वो फिल्म आपकी रही नहीं, अब वो इंडिया की फिल्म हो चुकी है. वो लोगों ने ले लिया फिल्म आपसे, आपको तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं. आप जाके सो जाओ तो लोग कोई भी ऐसे बोलेगा. एंड आई डिड सी द मूवी एंड आई ऑब्वियसली हैड सो मच रिएक्शन बिफोर, आई हैड ऑलरेडी हैड कम ऑन, ये है वो है. एंड आई वॉज फर्स्टली आई देर इज टू थ्री थिंग्स टू इट. वन इज द एक्चुअल फिल्म मेकिंग, सेकेंड इज द एक्चुअल स्क्रिप्टिंग ऑफ इट, बिकॉज एज अ राइटर आई ऑलवेज लुक एट दैट कि कैसे लिखी गई है फिल्म. एंड देन इज द पॉलिटिक्स ऑफ इट. एंड आई वॉज लाइक हो सकता है इस फिल्म का पॉलिटिक्स ऐसा हो कि मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, बट लेट मी सी कि इस फिल्म ने इतना इम्पैक्ट क्यों किया. एंड I found the film balanced also, because there are many chances given to characters who are Muslim, who explain their why they are the way they are. They may not, you may still never be able to justify violence, but they do kind of make their case. I felt ki there was no cheap techniques used to villainize a community. फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू वी वर डिस्कसिंग अर्लियर, फिल्म में दिखाएंगे कि मुस्लिम कैरेक्टर है तो एक ऐसे मांस का टुकड़ा लेके मार डालेंगे. सो इमीजिएटली यू आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट इविल. और लाइक इफ इट्स अ प्रोफेसर, यू नो शी दिल शो की उसका शी इज़ वेयरिंग अ वेरी डीप कट ब्लाउज एंड शी इज जस्ट हाँ और लू यू नो और लाइक सिगरेट पी रही है और लाइक यू नो वट एवर और शी इज़ हैविंग एन अफेयर जस्ट टू शो की शी इज़ अ लो मॉरल्स पर्सन बिकॉज शी इज़ नॉट सूटिंग विद योर फिल्म्स में. बट मेरे को ऐसा नहीं लगा. आई मीन द पीपल लाइक दैट एग्जिस्ट एंड यू हैव चोजन टू टेल अ स्टोरी ऑफ सम पीपल. अब द पॉलिटिक्स टूडे इज कि इनकी कहानी आप मत बताइए बिकॉज ऑलरेडी द सो कॉल्ड हिंदू पार्टी इज इन पावर, सो दे हैव सो मच पावर. नाउ यू आर सेइंग कि यू नो दे यू नो हिंदूज वर विक्टिमाइज्ड सो दे विल गेट इवन मोर जस्टिफिकेशन फॉर देयर. सो समवेयर दैट यू थिंक दैट इज वॉट मेरे को समझ नहीं आई एक्चुअली लोग क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हैं ऑनेस्टली बिकॉज आई फाउंड इट बैलेंस्ड. नहीं उस देखिए वो बड़ी गहरी पॉलिटिक्स है, उसके लिए एक पूरा एपिसोड. हाँ वो इसलिए मैं चाहता था कि लोग विवेक अग्निहोत्री को जाने. पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ बिकॉज यू हैव सम जेन्युइन लिसनर्स एंड यंग पीपल, सो दे हैव टू अंडरस्टैंड हर चीज़ क्रिएटिविटी में होती है अबाउट इंटेंट. आपका इंटेंट क्या है? तो हमारा इंटेंट जो था वो लोगों को समझ में भी आया. ये मैं न्यूयॉर्क टाइम्स टाइम इनका इस्लामोफोबिया तो वो तो एक लॉबिंग है, वो तो एक पॉलिटिकल वेपन है दे आर यूजिंग अगेंस्ट इंडिया. मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ. आप पूरी फिल्म में देखिए कहीं मुस्लिम वर्ड यूज़ नहीं हुआ है एक बार भी. पाकिस्तान वर्ड यूज नहीं हुआ एक बार भी. कोई भी फिल्म मेकर पाकिस्तान वर्ड को रेजिस्ट नहीं कर सकता. नहीं दैट्स व्हाट आई थिंक दोस चीप थिंग्स वर नॉट डन. कहीं स्कल का कैप वाला नहीं मिलेगा आपको, कहीं पैजामे वाले लोग नहीं मिलेंगे और वेरी मुस्लिम रिचुअल्स. मुस्लिम रिचुअल्स कहीं हमने किया ही नहीं हम उसमें, क्योंकि हमारा इंटेंट ही नहीं था वो. बल्कि आप देखिए वो बंदा कहता है कि तुम पे भी तो देशद्रोह का केस चल रहा है कि हम और तुम अलग हैं. एग्जैक्ट हमारा मकसद एक है, जुल्म से आजादी. पल्लवी का जो कैरेक्टर जो होप के बारे में कहती है अबाउट गॉड, कहती किसी ने भगवान देखा नहीं है पर एक होप है कि एक दिन भगवान आएगा और ये होप ही भगवान है. उसकी लॉजिक करेक्ट है. इट्स एब्सोल्युटली ट्रू. एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स हैज बीन अबाउट एक दिन होप. हाँ होप के ऊपर चल रहा है. तो उनको क्योंकि और देखिए पल्लवी ने भी और चिन्मय ने भी अपने कैरेक्टर्स को, मैंने उनसे यही बोला था कि जो तुम कह रहे हो ये तुम्हारा कन्विक्शन है और ये तुम गलत नहीं हो, तुम नेगेटिव नहीं हो. हाउ मच इज द फिल्म अ फिल्म फॉर यू एंड हाउ मच इज द फिल्म योर पॉलिटिक्स? बिकॉज वो है तो अल्टीमेटली फिक्शनल कैरेक्टर्स ही ना सर. आपको इतना जस्टिफाई भी करने की जरूरत नहीं है. सब असली कैरेक्टर्स हैं इन द सेंस हीरो यासीन मलिक है, वो चिन्मय यासीन मलिक है, पल्लवी निवेदिता मेनन है, तो दे आर रियल कैरेक्टर्स. ओके सो यू आर सेइंग दैट बिकॉज ऑफन टाइम समटाइम्स पीपल टेल मी कि आपकी फिल्म आपकी बुक में कैरेक्टर ने ये कह दिया. मैं कहूंगा सर वो तो कैरेक्टर ने कहा है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ मेरा कैरेक्टर क्या कह रहा है. नहीं पर हियर आई वॉज वी वर वेरी केयरफुल. और यहाँ तक देखिए दिस फिल्म इज absolutely 100% based on video testimonials of the victims, first generation victims. मतलब जिसकी माँ को मार डाला या rape कर दिया, उन लोगों की life पे. और it's a victim story.
कोई मुझे ये क्रेडिट ही नहीं दे रहे हैं ये लेफ्टिस्ट मीडिया वाले कि मैंने तो उनका साइड इतने अच्छे से दिखाया है, इसी बात का उनको गम है कि उनका साइड क्यों दिखा रहा है। दूसरा व्हाट पीपल डोंट नो इज कि जो उसका एक लास्ट सीन है जो शिकारा में वो दो लड़के बात कर रहे हैं और वो कहता है कश्मीर के बारे में कि एक ऐसा जानवर है जिसको हर कोई खाना चाहता है, वो सीन मैंने नहीं लिखा है। वो कश्मीरी मुस्लिम लड़का जो कि कश्मीर वैली में रहता है, जो कि उस रेवोल्यूशन का पार्ट है, उससे मैंने लिखवाया है। मैंने कहा आई वॉन्ट यू टू राइट दैट फिलोसफी विच यू बिलीव इन कि वॉट इज द प्रॉब्लम योर कॉन्फ्लिक्ट विद अदर पीपल इन इंडिया, तुम लिखो एज इट इज शूट करेंगे। और उसी ने एक्टिंग की उसके दोस्त ने वहाँ पे। ये मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ लोगों को कि आई डोंट वॉन्ट टू ट्रिवलाइज अवर ओन इंटेंट, पर ये फिल्म हमने बड़े प्योर इंटेंट से बनाई है। आई वॉन्टेड पीपल टू सी द फेस ऑफ टेररिज्म, मेरा किसी रिलीजन से कोई मतलब नहीं था, लेकिन रलीफ गलीफ शलीफ के नारे तो मैंने नहीं लगाए थे। इट्स ओके, देयर आर 100 हॉलीवुड फिल्म्स लाइक दैट। देन तो फिर शिंडलर्स लिस्ट तो बननी नहीं चाहिए। आई मीन नॉट, आई नो यू मेंशन शिंडलर्स लिस्ट सेवरल टाइम, बट सो मेनी फिल्म्स अबाउट यू नो मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट है, सो मेनी फिल्म्स आर देयर। अब लाइक यू शुड नॉट मेक जीरो डार्क 30 देन। या देन व्हाई विल यू मेक इट, यू नो, like because everybody, you know, so that's okay, that is silly arguments. That's not the tell me one thing, jab finally ab ek achhi baatein karte hain, jab aapki Kashmir file release hui, when did you know ki boss ye to chakka lag gaya hai? Chakka bhi kya matlab, ball stadium ke bahar ho gayi hai, what was that time? Friday ko aayi hai, theek hai, Thursday raat tak aapko kya lag raha tha? I just want to walk you through your mental thing. नहीं देखिए फिल्म कोरोना चल रहा है, ये बात भी सच है कि द रिलीज टाइम वाज नॉट गुड बिकॉज इट इज लाइक कोरोना, यार वैसे ही कौन आएगा मारने काटने वाली, और मरने कटने वाली फिल्म देखना लोग नहीं चाहते, यू नो पीपल वांट टू सी रिलैक्स एंजॉय, यू नो। सो क्या लग रहा था वेंसडे थर्सडे को, क्या लग रहा था फिर फ्राइडे को, क्या लगा सैटरडे, जस्ट वॉक मी थ्रू दोज डेज। नहीं एक्चुअली हमें ये पहले लग गया था क्योंकि वी स्टार्टेड शोइंग दिस फिल्म इन मिड नवंबर इन यूएस। ओके, तो हम लोगों ने वहाँ बहुत स्क्रीनिंग, बहुत रिएक्शन आ रहा था। हाँ, और हर स्क्रीनिंग में सेम रिएक्शन आ रहा था, दैट पीपल वर स्टंट, दे वोंट लीव द सीट्स, दे वुड हाउल, दे वुड क्राई, दे वोंट लुक एट ईच अदर, और पिन ड्रॉप साइलेंस में लोग एब्जॉर्ब कर रहे थे। तो 16 स्क्रीनिंग्स बहुत होती हैं यार, 450 मल्टीप्लाई बाई 16, तो इतने हज़ारों लोगों ने देखा, तो मुझे ये तो समझ में आ गया था कि ये होगा। फिर जब हमने जम्मू में स्क्रीनिंग करी, वहाँ कश्मीरी थोक में थे, वही लोग थे, और वहीं पे शिकारा के साथ प्रॉब्लम हो गया था। हाँ। तो मैं बहुत नर्वस था, इतना ज़्यादा नर्वस था, मतलब मेरे हाथ हाथ किसी से शेक हैंड नहीं कर सकता था, पसीने छूट रहे थे मेरे। दैट वॉज लाइक लिटमस टेस्ट फॉर मी, व्हेन दैट स्क्रीनिंग में सेम रिएक्शन आया जो पहले आया था, देन आई सेड कि हाँ अब फिल्म को लेके ये तो प्रॉब्लम नहीं होगा कि क्या होगा, पर देखने वाली बात ये थी कि कैसे रिसीव करेगी मासेस। तो मुझे ऐसा लगा कि ये 50-60-70 करोड़ का बिजनेस कर लेगी, बट देन डिस्ट्रीब्यूटर्स डिडंट हैव फेथ इन द फिल्म, तो उन लोगों ने उसको इतनी कम, पहले 300 फिर 400 फिर मैक्सिमम 600 स्क्रीन में रिलीज़ किया फर्स्ट डे। तो लेकिन बाय द टाइम फ्राइडे इवनिंग इट वाज लाइक अ सुनामी, डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता ही नहीं चला कब वो 2000 स्क्रीन हो गई। वाओ, लोगों ने ही अपनी डिमांड से करा ली। देन बाय संडे द इंटरनेशनल मार्केट सडनली एक्सप्लोडेड, लिटरली, मतलब अमेरिका में 10-11 स्क्रीन में था, सडनली 100 हो गई। एंड देन ऐसी ऐसी कंट्रीज़ और सिटीज़ में जहाँ कभी हिंदी फिल्म रिलीज़ ही नहीं हुई थी, वहाँ पर लोगों ने खुद बुला बुला के, एंड इट बिकेम अ मास मूवमेंट आफ्टर दैट। और ट्यूजडे को देन प्राइम मिनिस्टर सेड इन द पार्लियामेंट, अपने आप से, यू डोंट नो? नो, मैं तो, मेरी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मुझे तो किसी ने बताया वहाँ पर जर्नलिस्ट ने कि प्राइम मिनिस्टर हैज सेड दिस अबाउट योर फिल्म। आप दिखाने नहीं लेके गए या कुछ ऐसा? नो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। हाँ। और मैं कुछ छुपाता भी नहीं हूँ, मैं जब प्राइम मिनिस्टर से मिलता हूँ तो फोटो भी डाल देता हूँ। नथिंग डूइंग, मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, ऐसा थोड़ी है कि हम बैठे और हमने कहा अच्छा मोदी आप हमारी फिल्म। एंड ही ऑल्सो सेड अ डिफरेंट थिंग, एक्चुअली बाई ट्यूजडे लॉट ऑफ पीपल विदाउट सीइंग वर अटैकिंग द फिल्म, सो ही मेड अ पॉइंट, ही सेड कि भाई एक फिल्म आई है उसको आप खूब क्रिटिसाइज करिए लेकिन फैक्ट्स पे तो करिए, कश्मीर में ये एक्चुअली हुआ था, आप ये क्यों कह रहे हो ये हुआ ही नहीं था। ही वॉज मेकिंग अ पॉलिटिकल पॉइंट। नहीं बट ही इज आई मीन आई एम टेलिंग यू माई एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू, वी मेड अ फिल्म कॉल कायपोचे। हाँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, दैट फिल्म इज ऑन गोधरा राइट्स एंड वी नीडेड टू शूट दैट फिल्म इन गुजरात।
At that time, he was the chief minister. He was chief minister of Gujarat. We went to get support. He gave all the support. He said, इसमें तो कोई शक नहीं है, आप बनाइए प्लीज. वडनगर में हमने शूट किया है फिल्म. वडनगर इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. सो दिस इज माई एक्सपीरियंस. मेरा भी यही है. सो वॉट कैन आई से नाउ? अब आप मेरे को बोलोगे ओ ये तो उसकी साइड. अरे यार ये मेरा एक्सपीरियंस है. वी वेंट यू टी वी मी अभिषेक वी मेंट एंड वी गॉट ऑल द सपोर्ट एंड कायपोचे वॉज मेड एंड इट वॉज फाइन एंड यू नो देर इज अ फिल्म. सो आई नो दैट वेन ही सेज इट ही मीन्स इट. जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं. ही सेड जो फैक्ट्स हैं फैक्ट्स हैं. You cannot ascribe, and the film does not ascribe intention. In fact, let me ask you, halaki ye deep talk hai, it is more about you, because people will, this is coming from you. Log aapke bare mein jo bhi bole, kaise bhi bole. How do you see India? How do you see Hindus and Muslims in India? Kaisa hai hamara desh? Hamara desh, dekhiye, is to fir is desh ke DNA ko samajhna padega. Hamara kya hai ki, hamara desh tolerance oriented nahi hai. Hamara acceptance oriented hai. Okay, what's right? the difference? The difference is कि आपके घर में कोई आया रहने तो आप अपने बच्चों से कहते हैं बेटा दो तीन दिन की बात है इसे टॉलरेट कर लो. जो एक अमेरिकन मॉडल है कि दो तीन दिन के लिए जस्ट एडजस्ट कर लो इस तरह से. आप क्या कहते हैं, आप जो पड़ोसी है उसको आप चाचा बना लेते हैं, वो जो बच्चे आते हैं उनसे आप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेते हैं. तो जिसको जो जो आपको लगता है ये मेरी लाइफ में कोई रोल प्ले कर रहा है उसको आप एक्सेप्ट करते हैं फुल्ली. एंड दैट इज़ वाई वी हैव एक्सेप्टेड सो मेनी थिंग्स विच आर क्रॉस कल्चरल. तो हमारे ये टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट आप डाल नहीं सकते. जितनी डाइवर्सिटी इंडिया में प्रैक्टिकल डाइवर्सिटी उतनी वर्ल्ड में कहीं नहीं है. अमेरिका में ठीक है बहुत सारी कंट्री के लोग रहते हैं पर सब अलग अलग रहते हैं. चाइनीज लोग अलग, इंडियंस अलग. हमारे ऑन डे टू डे बेसिस आप इतने फेथ्स, इतने फाइनेंशियल स्ट्रेटास, इतनी पोलिटिकल आइडियोलॉजी से इंटरेक्ट करते हैं, काम करते हैं साथ में. यू कॉन्ट एस्केप इंटरमिंगलिंग विद डाइवर्सिटी. तो हिंदू मुस्लिम कल्चरली तो बहुत एक से हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एक से हो गए. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने जो ये एक मेजॉरिटी की तरह जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको जो माइनॉरिटी का प्रिविलेज दिया हुआ है वो फंडामेंटली गलत है. उसमें मुस्लिम्स का ही नुकसान है. और ये नुकसान तब तक होता रहेगा जब तक हम उनको माइनॉरिटी बोलते रहेंगे. माइनॉरिटी बोलते ही साथ ऐसा लगता है एक आइसोलेटेड लोग हैं, एक इन्फीरियर कुछ लोग हैं जो हमारे जैसे नहीं हैं या चैलेंज्ड हैं किसी तरह से. एक बच्चे को माँ अगर हमेशा बोले नहीं नहीं वो बेचारा छोटा है, वो कमज़ोर है, उसका ख्याल रखना, तो जो बाकी बच्चे होते हैं उनके दिल में उस बच्चे को लेके एक एक चिड़ सी हो जाती है. आप कहीं भी देख लीजिए किसी भी जगह पे. तो हमने एक साइकोलॉजिकल लेवल पे मुस्लिम्स को आइसोलेट करने का पूरी एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है. अब मुस्लिम्स कई जगह पे मेजॉरिटी हैं. मैं भोपाल में जहाँ पढ़ता था वो मेजॉरिटी थे. मैं माइनॉरिटी था भोपाल में तो बहुत मुस्लिम और मैं माइनॉरिटी था. 90% स्टूडेंट्स मुस्लिम थे, हम कुछ एक बच्चे हिंदू थे. कश्मीर में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे, हिंदू माइनॉरिटी में थे. अब तो बचे ही नहीं, अब तो माइनॉरिटी भी नहीं रह गए. तो मैं ये जो और रियल माइनॉरिटीज़ कौन है, जैन, पारसी, सिख, ये लोग रियल माइनॉरिटीज़ हैं. उनको कोई कभी माइनॉरिटी बोलता नहीं है. हाँ मतलब कहते हैं पर हाँ, तो जब तक हम मुस्लिम्स को माइनॉरिटी बोलेंगे इस देश में हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट रहेगा. एंड आई नो हाउ यू थिंक. तो मैं ये मत मेरे को आंसर पता है लेकिन बाकियों को बताने के लिए क्लियर करने के लिए. बट फॉर विवेक इज इट अ गुड थिंग दैट इंडिया हैज सो मेनी डिफरेंट रिलीजन्स, सो मेनी डिफरेंट पीपल? इज इट गुड? ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स सच अ वंडरफुल थिंग. सो ऐसा कोई हिंदू राष्ट्र और ये सब और ऐसे सिर्फ हिंदू ऐसे ऑल दैट यू डोंट बिलीव इन? मैं देखिए मेरा क्या है, मैं फिलोसफी वाला आदमी हूँ, रिलीजन वाला आदमी नहीं हूँ. मैं जितनी मेरी स्पीचेस कहीं देख लीजिए आई यूज द वर्ड हिंदू फिलोसफी. And I'm very proud of that philosophy. क्योंकि वो पूरी philosophy का जो आधार है वो है अनेकांतवाद, which means कि जैसे आपको summit पे पहुँचना है अगर mountain की वही example लेता हूँ तो there can be various entries, you can go by millions of routes. अनेकांतवाद जो अब Jainism का principle है वो ये है कि there can be million ways to reach the truth. Yes. Negating any way is violence. Wow. अगर मैं कहता हूँ कि आपका तरीका गलत है ये असली वायलेंस है. वो तो अब चींटियों इंटियों पे ले आए हैं, वो दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल. पर जो फिलॉसफी है जो पूरी वो ये है. तो जैन लोगों ने वो फिलॉसफी पकड़ ली और पूरा का पूरा एक जैनिज्म चालू कर दिया उसके ऊपर अनेकांतवाद पे. मैं उस पर बिलीव करता हूँ. मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप क्या मानते हैं, किस भगवान को मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं. लेकिन अगर आप ये बोलें कि मेरा एलिजेंस जो है वो सिर्फ इस्लाम से है, भारत से नहीं है, देन आई हैव एन इशू. अंडरस्टूड. देन आई हैव एन इशू. एंड कल्चरली
भारत का कल्चर बहुत डिफरेंट है, उसको आप चाहे हिंदू राष्ट्र बोलें जो भी बोलें, वो भारत का कल्चर है, वो उसको आप कैसे डिनाई करेंगे, कैसे कर सकते हैं? नो, वी आर आवर हिस्ट्री। आप बनारस में तो मुस्लिम लोग हर हर महादेव बोलते हैं, मैं भोपाल में था तो सारे लोग वहाँ पे जैसे कोई मिलता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोलते हैं, इन चीज़ों को कैसे अलग करेंगे? नहीं कर सकते, इट्स द सेम। दैट्स दिल, दरवाज़ा, कमरा, खिड़की, ये शब्द निकाल के बताओ आप, बोलो करेक्ट बात है। जाते जाते लाइक टॉप टू थ्री थिंग्स यू वॉन्ट टू टेल जो यंग बच्चे यहाँ देख रहे हैं हु वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, एंड यू हैड सच अ बिग सक्सेस, आई एम सो हैप्पी कि आपको इतना बड़ा सफलता मिली, बिकॉज आपने लाइफ बड़े अलग ढंग से जिया, आपने कभी डर नहीं दिखाया लाइन से हट के चलने का। आप थोड़ा वो कालिया फिल्म का डायलॉग हो, लाइन यहाँ से शुरू होती है मतलब वो बचपन से ही है कि यू नो, चाहे प्रोफेशन में चाहे आईएएस होने, हर बार आपने वहाँ का आईएएस नहीं करेंगे कुछ और करेंगे, और यहाँ पे का बॉलीवुड नहीं करेंगे कुछ और करेंगे। तो यू नो द लास्ट फ्यू टिप्स यू वांट टू गिव टू अ यंगस्टर हु वांट्स टू डू वेल इन इंडिया बिफोर वी एंड? आई डोंट नो, मैं इतना है ना वैसा नहीं है, मैं कोई मोटिवेशनल गुरु भी नहीं हूँ, पर एक ही मैं बात बता सकता हूँ कि ये जो फेलियर का जो कॉन्सेप्ट हम बताते हैं कि इट्स गुड टू फेल, गुड टू फेल, इट्स गुड टू फेल प्रोवाइडेड यू आर इन अ कॉन्टेस्ट और इन एन एग्ज़ाम, राइट? कि अच्छा बेटा करो करो करो, फेल होते होते पास हो जाओगे। देर इज़ नथिंग कॉल्ड फेलियर, फेलियर है ही नहीं कोई चीज़, इट्स लाइक इट्स अ वेरी इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट। कैसे फेलियर हो सकता है? अगर समझो आप कहीं जा रहे हैं तो आप रास्ता ढूंढ रहे हैं, उसमें फेलियर कहाँ से हो गया? अगर आप बीमार पड़ गए तो क्या बॉडी फेल हो गई है? फेलियर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इस दुनिया में, एवरीथिंग इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। तो थोड़ी सी जार्गन अगर चेंज कर दें हम लोग, तो लोगों को क्या फियर ऑफ फेलियर है, क्योंकि हमने हर चीज़ को एग्ज़ाम बना दिया है, कॉन्टेस्ट बना दिया है कि अरे यार फेल हो गए तो क्या होगा। आपने पॉडकास्ट जब शुरू किया तो कई आपके एपिसोड नहीं भी चले होंगे, कई चले भी होंगे, किसी में 10,000 होंगे, किसी में 10,00,000 होंगे, तो क्या डू यू लुक एट इट कि मैं फेल हो गया? नहीं ना, यू आर एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट आइडियाज़, और उससे यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स, और एक ना एक दिन अल्टीमेटली यू फाइंड योर सॉन्ग, आपको लाइफ का पर्पज मिल जाता है। दैट्स ऑल आई वुड से। तो मेरे को ऐसा लगता है कि लाइफ जो है वो एक्सप्लोर करनी चाहिए और कोई कॉन्टेस्ट में नहीं दौड़ना चाहिए। नो, दैट इज़ सो ट्रू, एंड आई एम ट्राइंग टू डू दैट, बिलीव इट और नॉट। मैंने भी आई थिंक कोरोना में ये सीखा है कि अपने लिए जियो और अपने हिसाब से जियो, और किसी को ना इम्प्रेस करना है ना किसी के साथ रेस में जाना है, बस अपना करना है। और जैसे आपने कहा, मैंने जब ये पॉडकास्ट शुरू किया, मैंने देखे यूट्यूब पे क्या क्या वीडियो, अब मैं अगर यहाँ पे लगा दूँ कि हम दोनों केले के छिलके पे फिसल रहे हैं, उसके बहुत व्यूज़ आएंगे सर, या 10 टिप्स टू बिकम सक्सेसफुल, हाँ, या 10 टिप्स, या अगर आप और मैं एक फिरारी से उतर रहे हैं, मेरे लिए मुश्किल नहीं है, एक फिरारी अरेंज कर दी दिन के लिए और लैम्बोगिनी में हम रेस करें, उसके बहुत व्यूज़ आएंगे। लेकिन उन व्यूज़ का हमें क्या करना है? लेकिन जो इस एपिसोड के व्यूज़ आएंगे ना, और जो यहाँ तक पहुँचा है इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं, वो क्वालिटी व्यूज़ आएंगे, वो क्वालिटी इंसान के आएंगे। एंड अच्छा है सर ने कह दिया, इसलिए मैं आप लोगों को भी, आपको पता मैं इससे, मेरे को ये सब कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन गुरु दक्षिणा अगर आप देना चाहते हो तो वो यही है कि आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, कमेंट करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ विवेक सर कमेंट्स देखेंगे, कईयों का जवाब भी देंगे, देखेंगे ज़रूर। अच्छा बोल दो, बुरा बोल दो, उनको सबकी आदत है, ऐसे कोई बोल नहीं है। जो चीज़ इनकी आपको स्पेशली, वो अगर आप सोच रहे हो क्या कमेंट डालूँ, क्या कमेंट डालूँ, जो आपको इनकी एक लाइन याद रहेगी इतनी लंबे में जो याद रहेगी वो डाल दो। और जब आप ये सब करते हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक तो आपको मेरे अगले वीडियो का पता लगेगा, और दूसरा यूट्यूब इस वीडियो को चढ़ाता है, यूट्यूब का एल्गोरिदम कहता है कि हाँ ये भी दिखाओ लोगों को। तो आप लोगों को केले के छिलके पे फिसलते हुए देखना चाहते हो या ये यहाँ सीखना चाहते हो, वो आपको डिसाइड करना है। एंड इफ़ यू डू थिंक कि ये वीडियो, ऐसे वीडियो बनने चाहिए, तो प्लीज़ सपोर्ट इट। एंड विवेक, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। पता है एक मुदिता कॉन्सेप्ट है बुद्धिज़्म में कि दूसरे की खुशी में अगर तुम अपनी खुशी देख लो ना, तो आपकी खुशी कितनी मल्टीप्लाई हो जाती है। आई एम सो हैप्पी कि आपने इतने धक्के खाए, 5 साल बुद्धा है ना जैम लेके घूम रहे हो, भोपाल वापस जाने की नौबतें आ रही हैं, इतने बड़े पोजीशन की जॉब छोड़ने के बाद अभी भी कुछ इजी नहीं हुआ है, ऐसा लगता है इजी अभी भी नहीं होगा। पर मेरे को लगता है कि हालांकि कश्मीर फाइल्स के बाद आई डोंट नो आपको फोन बजने शुरू हो गए होंगे, विवेक साहब दोस्तियाँ निकल रही होंगी अभी। बट वी हैव डिसाइडेड कि वी विल नॉट गो देयर, हम जैसी फिल्म ये बनाई थी उसी तरह से बनाते रहेंगे, वो एक रखनी है, नहीं हम यही करेंगे, स्मॉल बजट, नाइस कंटेंट। पर यू नो मेरे को कहीं ना कहीं ये भी लगता है आपकी फिलॉसफी, जो भी आपसे सीखा हूँ, कि ये सब माया ही है,
एक तरह से 250 करोड़ है, 300 करोड़ है, आज है कल नहीं है, ठीक है उसके लिए नहीं हो, ये गेम उसके लिए है ही नहीं आपके लिए, बट स्टिल आई एम सो हैप्पी कि वो सक्सेस भी आपको आया जिससे दुनिया नापती है. मेरे ख्याल से आपके मन में सक्सेस की बहुत अलग परिभाषा है, लेकिन जो सक्सेस में दुनिया, जिसकी वजह से लोगों ने आपको शायद वो सम्मान मान नहीं दिया या मैं और जो भी है, वो आज वो भी चुप हो गए हैं. हाँ, पर मुझे उसकी चिंता नहीं. मुझे फ़ायदा ये कि जो भी पैसे हैं उससे मैं 4-5 और डायरेक्टर्स को, अपने जैसे डायरेक्टर्स को एम्पावर कर सकता हूँ और उनसे ये बोल सकता हूँ कि तुम्हें हिंदी आया चाहे अंग्रेजी आया चाहे तेलुगू आया, डरो मत, एज लॉन्ग एज यू आइडिया एक्सप्रेस योर सेल्फ. तो इतनी ताकत भगवान ने दे दी कि मैं और लोगों को एम्पावर कर, ये डेफिनेटली लेसन मैंने भी सीखा है कि हालांकि मैं कोई इतनी बड़े बड़े, यहाँ तो सर मेरे डीप टॉक पे कितने स्टार्टअप वाले हैं, बिलियंस बिलियनर्स आ चुके हैं, मैं उनकी लीग में तो नहीं हूँ, लेकिन जो है मेरे पास थोड़ा बहुत भगवान ने दिया है उससे मैं औरों को एम्पावर करूँ, स्पेशली आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थॉट, वो भी मैं रखूँगा. सो बस आज की मुलाकात इतनी, हम तो लंबी लंबी बातें करते जा सकते हैं. थैंक यू सो मच विवेक फॉर कमिंग फॉर डीप टॉक एंड ग्रेट ग्रेट मीटिंग यू. यानी इतनी सारी चीजें जो मैं भूल गया था तुमने याद दिला दी मुझे. वही तो सर, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. आई रियली, मैं सच बात बताऊं, हम नॉन स्टॉप भाग रहे हैं, नॉन स्टॉप. मैं सडनली, तो कई कहते हैं इंजॉय क्यों नहीं कर रहे हो, सक्सेस इंजॉय क्यों नहीं कर रहे हो, टाइम ही नहीं मिला. आज पहली बार मैं इतनी शांति से बात की है. आई थरली लव्ड इट एंड मैं देखता हूँ, आई वॉच लॉट ऑफ योर वीडियोज. ये देखना सर, और इसके कॉमेंट जरूर देखना जो बच्चे देंगे बड़े दिल से. श्योर श्योर. एंड ये रहेगा हमेशा आपकी एक लेगेसी, आपको लेगेसी इंपॉर्टेंट है. ये वीडियो 5 साल बाद भी को देख सकता है, 10 साल बाद भी देख सकता है, कुछ सीख सकता है उससे. So thank you so much. Thank you. Thank you for watching, guys. Take care.